पुजारी का बेटा जडेजा, मोहना का बेटा जानू, चुन्ना का बेटा चुन्ना। हरम खरो, सच सच बताओ धनराज का खून किसने किया? हाँ साहब, हम लोगों ने मारा है। किस लिए? सर, मेरी बहन का नाम अंबिका है, मुंबई में काम करती है। धनराज साला रोज इसका पीछा करता है। एक बार फिल्म के लिए बुलाया, दूसरी बार पार्क में बुलाया, एक बार बोला प्रिया लॉज में रूम बुक किया है, आ जाना अच्छे पैसे दूंगा। और कहा, अब उनके खिलाफ कंप्लेन करेगा तो अब उन काम तमाम कर देगा। हाँ कमीनों की औलाद, कुत्तों की औलाद, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, तुम लोग यहाँ से कभी नहीं छूटोगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं सच कह रही हूँ साहब, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। इन कमीनों ने, इन कुत्तों ने मेरे भाई को मारा है। कौन है तू? धनराज की बहन है क्या? हाँ, वो मेरा भाई था। तेरे भाई को इन लोगों ने मारा है, चल तू इधर आ। ये तो सिर्फ चार ही है, इनका सरगना किधर है? और कौन है? इन सबसे नीच काम करवाने वाला वो एक कमीना ही है जो किसी से नहीं डरता और रोज अपने माथे पे भभूत लगाता है। किसी के हाथ नहीं आता, किसी के हाथ नहीं आता है। वो बड़ा हराम खोर है वो। हम गरीबों को तबाह करने वाला बेलगाम तूफान है वो। जान लेने के लिए यहाँ पर भी आ गया। इस कुत्ते पर मैं गरम तेल डाल दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। इसे हथियार निकाल के निकाल दो यहाँ से। अरे जल्दी हथियार निकालो, जो भी तुम्हारे पास है निकालो, और मार मार के निकाल दो यहाँ से इसे। ओए, अरे ओए, सुना है तेरे भाई के सेल बॉडी पंचर हो गई है। एक मिनट में यहाँ रुका दो, तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा मैं। हाँ, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो। चिल्ला क्यों रही है? धनराज का खून होने के बाद तेरी सारी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई क्या? नीचे बढ़ावा तेरा दूसरा भाई है। अरे रे, हे भगवान, अगर तूने मेरे साथ पंगा लिया तो तेरे भी टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी, एक बोटी नहीं बचेगी तेरी। चिल्ला ना, मेरी बात कान खोल के सुन ले। आपुन ने सोचा कि तू सुधर गया होगा, लगता है बैन बजाना ही होगा, और इसी के लिए आपुन यहाँ आया है। कुत्ते की औलाद, कौन किसकी बैन बजाता हम देखते हैं। ओ ओ मेरे बहादुर लोगों, तुम लोग आ गए। यही है वो तूफान, सुनामी तूफान, जिसने मेरे भाई का क्या हाल कर दिया था। दौड़ो, पकड़ो पकड़ो इसको। Oh!
ये ब्रह्मा की गलती है, उसने तुझे औरत बना के भेज दिया, वरना आज अपन तुझे छोड़ता नहीं। और सुनो, आज के बाद इस मोहल्ले की सारी बहु बेटियों को अपनी बहन समझना, वरना टक्कर की औलाद। आज के बाद अपन तुझे वार्निंग नहीं देगा, कौन सा पंगा किया ना तो साला अपन फाड़ के रख देगा। सलाम साहब। अरे साहब, अपन खुद पुलिस स्टेशन आने वाला था, अपन को पता कि आज थाने में एक नया साहब आया। आए, हाँ एक मिनट साहब, हाँ इसे रख लीजिए साहब, इसे रख लीजिए। क्या है ये? देखो साहब, 3 साल के लिए 300 रुपये और 2 साल के लिए 200 रुपये। अरे साहब, जो भी मिला खुश होके जाइए, नेक्स्ट टाइम अपन ज्यादा दे देगा। हाँ अरे साहब, अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे काम को अपन आजान कर दिया और तू अपन के हाथ में हथकड़ी डाल रहा है। जेब में बैठना। ओए, अपन को जेब में बैठाने से कोई फायदा नहीं होगा, 2 दिन के अंदर अपन जमानत पे आएगा और तुम्हारे केस को क्वाश कर दूंगा। मेरे बदले नकली दारू, गांजा, चरस, अफीम बेचने वाली वो सोन पर ही ना, उससे जाके अंदर कर दे, जनता देवता मानकर तेरी पूजा करेगी। मैं पुलिस में भर्ती हुआ देवता बनने के लिए नहीं, तुझ जैसे गुंडों को सबक सिखाने के लिए। बैठता है या बैठा? हाथ नहीं लगाने का, हाथ लगाए तो काट के रख दूंगा। जगह कौन है अपने पुलिस वालों से जाके पूछना। मुझे क्या क्या करना चाहिए, डिपार्टमेंट में ये ट्रेनिंग मुझे दी है, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं। ट्रेनिंग में तुझे ये नहीं सिखाया कि शरीफ लोगों से कैसे पेश आते हैं? ये जगह बेलगाम तूफान है, तूफान तूफान। महादेव के वार्षिक उत्सव में रंगोली कंपटीशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, उसकी समाप्ति में अब सिर्फ 10 ही मिनट बचे हैं। मंजू, इस साल का फर्स्ट प्राइज जरूर तुझे ही मिलेगा। वो तो मिलना ही चाहिए, लेकिन तुझे ये प्राइस ना मिले इसके लिए कोई कोशिश कर रहा है? कौन है? वही तेरा दोस्त भवंडर तूफान जग्गा। ए, रहने दे, चल। अरे ये क्या हो गया, मेरी पूरी रंगोली खराब हो गई। ये राम जी कौन है? इस साल का रंगोली प्रतियोगिता में पहला स्थान कुमारी मंजुला राज दुली को मिला है। ये। आंटी 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 रुकी 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 रुकी। क्या है? जगह किधर है आंटी? क्या काम है? ये प्राइस उसे दिखाना है। इतनी जल्दी है तो पुलिस स्टेशन जाओ। क्यों? वो घर में नहीं मिलेगा, या तो मैदान में या फिर पुलिस स्टेशन में। तुम्हें मिलना है तो वहीं जाकर मिलो तुम उससे, पुलिस स्टेशन जाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं वहीं जाके उससे मिलती हूँ। गाड़ी निकाल निकाल, आगे बढ़ आगे बढ़। बेलगाम तूफान को अंदर कर दिया है सर। मिलन भैया अभी तक फरार है, मिला नहीं। हाँ, सर। हाँ मंजुला। हाय। ये क्या, कॉलेज के एडमिशन के टाइम पर मिली थी, उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई, कहाँ थी? मैं वो आपसे मिलने के लिए आई। हाँ, मुझसे मिलने के लिए आई? आओ आओ आओ, बैठो 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 ना, बैठो यहाँ बैठ। अच्छा, मैंने तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन तुमने थैंक्स तक नहीं कहा, उसके बदले तो तुम्हारा डैडी है जो बार बार मुझे फोन करते हैं। थैंक यू कहने के लिए आई थी मैं, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलूं? कहाँ जा रही हूँ? नहीं, मैं बाद में आती हूँ। हाँ, मैं चलती हूँ, बाय। मंजुला बात सुन। उफो, जिस काम के लिए आई थी वही भूल गई। भैया, जगह को अरेस्ट करके यही लाए हैं क्या? उसे अभी अभी जेल भेज दिया है। जेल में? अबे चलना, टाइम हो रहा है। 2 मिनट यार, बीड़ी भोगने दे। चल चल करना, चल से बीड़ी भी पीने नहीं देते यार। गुरु, वहां से एक मंजू आ रही है। हवलदार, आप उनकी माशुका आ रही है। अबे चुप बैठ, अरे जरा मिल के आता हूं, मिल के आता यार। बहाना करता रहता है। अरे जगह कहां जा रहा है? रुक रुक, कहां जा रहा है तू? अरे रुक जा, अरे रुक जा। ये देखो, तुम यहां क्यों आई हो? हां,
तुमने क्या कहा था, मैं सब पे रौब जमा के राजनीति करती हूँ। ये प्राइज जीतने के लिए मैंने तुझे अंदर करवा दिया, ये देख फर्स्ट प्राइज मेरा है। अरे चल ना, ये दिखाने के लिए तुम यहाँ आई हो? वो सब मुझे नहीं पता, ये प्राइज तुम्हें दिखाना था और तुमसे मिलना था, इसीलिए यहाँ पर आई। तुम मुझसे मिल गए ना, अब जाओ यहाँ से। अब तुम बाहर कब आओगे? देख मंजू, अंदर जा सकते हैं अभिमन्यु की तरह, लेकिन बाहर आना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल। अच्छा ये बताओ, कैसा लगता है? तुम्हारे लिए कुछ भेजूं क्या? हाँ, अगर आपन को कुछ चाहिए तो अपन हवलदार को तेरे घर भेजवा दे, उसके हाथ में कुछ भेजवा देना। हाँ भेजवा देना, चलो ना। अरे देख रहे ना, अपन माशुका से बात कर रहा है। ओके, संभाल के जाना। टाटा, हाँ टाटा, टाटा बाय। कल दोपहर को तुम्हारा लंच लेकर आऊंगी। हाँ ले गया। अरे हवलदार साहब, हाथ करिए, हाथों में दर्द हो रहा है, जरा खोल के देना प्लीज प्लीज प्लीज। जानता हूँ। ए घुरका, यही तेरा बॉस है क्या जो अभी भी मिली थी? तेरी जुगाड़ है क्या? ए हवलदार, ये जेल है या पार्क है बे? क्या मतलब? उसे तुमने अरेस्ट किया और वो छमिया उसे मिलने आई और तुम लोगों ने इसे छोड़ दिया, ये कहाँ का न्याय है? वो इससे मिलना चाहती थी इसलिए मिला दिया। ये मिला होगा इसलिए छोड़ दिया होगा। सुनो, वो इसे क्यों मिलने आई थी? अरे दोनों के प्यार का चक्कर होगा इसलिए वो मिलने आई थी। माल सॉलिड थी यार, इसीलिए उसे मिलने दिया, इसकी क्या गलती थी? वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। ये तो रोज का हंगामा का, छोड़ो। उनके सामने आप उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में गलत गलत बातें बोलता है, यही आखिरी चेतावनी है। आइंदा किसी लड़की के बारे में गलत गलत बातें कही ना तो तेरे सर को थर्ड से अलग कर दूंगा मैं आगे से कुछ नहीं बनूंगा। ए जग्गो, मैं तुझे एक बहुत अच्छा काम दे रहा हूं। बाप की कसम, आप नहीं करने वाला। क्या गुरु? अरे क्या करो, करने का मोड़ ही नहीं है ना। जगे जगे, तू समझ नहीं रहा है बेटा, सियासत में आने से पहले राजतुली फील्ड में तेरे जैसा ही था। ए, कौन है ये राजतुली? किस फील्ड की बात कर रहा है? साला टपोरे, अपन को तेरा सारा इतिहास मालूम है, अपन को उल्लू बना रहा है, एक फटका दूंगा भी। हाँ गुरु, घर में फोटो देखा है ना, मैंने कितना बिल्डअप किया अपने। अरे किसका फोटो? पान पड़ा खा के थूकने का, लोगों को जोड़न उठाने का, बीड़ी सिगरेट सबको बांटने का, यही सब ना? किसी मंत्री के साथ जाके फोटो खिंचवाने से तू बहुत बड़ा दानी बन गया क्या है? ये बता, उस लड़की को ढूंढने की वजह क्या है? अरे इतना भी नहीं समझते क्या? बाद में समझा दूंगा तुम्हें डिटेल में। हाँ जुगाड़ है। अम्मा यार, तू अकेला उसे प्यार नहीं करता, सारे मोहल्ले वाले प्यार करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता तेरे घर के सामने भीड़ जमा हो जाए। सही बोला यार, मजाक नहीं। जिंदगी में अपन पहली बार किसी लड़की से प्यार करेला है, वो भी सच्चा प्यार करेला है। रास्ते में कोई आया तो साला काट के फेंक देगा, अपन के पास जिगर है। ओ ये बात है, तो चल के आज ही फाइनल कर देते हैं। अरे रे रे, तू है क्या? अपन के साथ चलती है? ए, रास्ता दे जाने का। हड्डी मत बांध, अपन को इससे बात करनी है। आग लगी तेरी बातों को, हमें नहीं सुननी है तेरी बातें। रास्ता दे हमें, इधर आइए ना। तुम्हारा फोन नंबर दोगे, मुझे कभी बात करनी तो कर सकता हूँ ना। मुझे भी आपसे कुछ बातें ही करनी थी। आप
मत खोलिएगा इसे। आपके साथ जो लंबू रहता है ना, ये उसे दे दीजिए। उसकी तो एंगेजमेंट हो चुकी है। इस उम्र में इसी तरह दलाली करता रहूंगा, मैं कुंवारा मर जाऊंगा इस जन्म में। हाँ देखिए, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पे इतना छोटा सा एहसान कर दीजिए ना, उसे दे दीजिए प्लीज। देख यार, एक काम कर, तेरे नसीब में कोई लड़की नहीं है। ए, तेरा नसीब ही खराब है, चल मेरे साथ। अरे जगह रहा तुरे भाई, अपने बोल यार, जाना। गुरु, आज तेरी सेंसन पर्सनालिटी पर कोई फिदा हो चुका है, ये ले। पर कौन है? पहले इसको पढ़कर तो देख, सब समझ जाएगा। ये ले सब अगर, ये भी काम मुझे करना होगा। की चिट्ठी है भैया, यशोदा नाम की एक राक्षस ने मुझे जानबूझ के जबरदस्ती धंधा करवा रही है, मुझे ये पसंद नहीं, इसीलिए तुम मुझे अपनी बहन समझकर इस दलदल से बाहर निकाल लो भैया। मेरी तकलीफ समझने की कोशिश कीजिए, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मेरी तकलीफ समझोगे और मुझे इन चंडालों के हाथों से छुड़ाओगे। ओए, कौन है ये यशोदा? क्यों बेटा, रामचरित दोहराने के लिए शैतान की फौज का पता पूछ रहे हो क्या? ए देखो वकील, काम करता है पुलिस वालों के लिए और आकर मजा लेता है इधर। तेरे पुलिस वालों को समझा दे यहाँ पर रेड नहीं मारने का, तुझे शर्म नहीं आती क्या? यशोदा कौन है? हाँ मैं हूँ, आ जाओ। तुम ही हो गया? सुनने में क्या, अनु नाम की लड़की को तुमने किडनैप करके रखा? किडनैप नहीं किया, खरीदी किया है। हाँ उसे मेरे साथ भेज दो तुम। अरे अभी वो नई लड़की है, उसे नहीं भेज सकती मैं। अपन यहाँ सफाई सुनने के लिए नहीं आया, शराब से अपन के साथ भेज दे वरना धंधा बंद करा देगा। मेरा धंधा बंद कराएगा और तू? ऐसी धमकी देने वाले हजार देखे हैं मैंने, कितने पैसे चाहिए बोल, लेके निकल जा जल्दी यहाँ से। ए भाई, लगता है ये धंधे के गहराई तक पहुँच गई, अब आप उनको कुछ करना ही पड़ेगा। आज चलो चलो अपने कुछ करते हैं। चल भाई। ए, रुक जा। ए, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? मेरे आदमी को मार रहा है, ये मजान, मैं तुझे दिखाती हूँ अभी। लड़कियों की इज्जत बेच कर ऐश करना गलत बात है। अरे छिनाल औरत, इस तरह मासूम लड़कियों की इज्जत से खेल कर तुम्हें क्या मिलने वाला है बताओ? माँ कसम, कोई मार देता तो चीर के रख देता मैं। रो, कमरे में बंद करके इसका क्या हाल बना दिया है? भैया मुझे ये काम पसंद नहीं है कि इसके दो आदमी मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लेकर आ गए और मुझसे ये काम करवा रहे हैं। एक लाख रुपए देके खरीदा है तुझे मैंने तेरे उसी आशिक से, अपनी भलाई चाहता है तो इसे यही छोड़ के चला जा वरना गौली कृष्णा छोड़ेगा नहीं तुझे। ये क्या गौली कृष्णा का होल दे रही है? कौन है ये गौली कृष्णा? अगर धंधा करने की कोशिश की ना तो उस गौली कृष्णा को भी अंदर कर दूंगा। हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे से अपन के बारे पूछना, वो सारा तुझे अपन के घर तक छोड़ के आएगा। ऐसा नाम है अपन के, समझ गए क्या? चल रहे खोटी आवाज है। जग्गू देख, दल्लों की फौज लेकर आई है वो। अम्मा यार वहाँ देख, सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। वहाँ देखो वो जो कुत्ता बैठा है उसी ने लफड़ा किया है। अरे वारी किस्मत, आप उनकी किस्मत में औरत लोगों से पंगा लेना ही लिखा है। हर महीने 10,000 का हफ्ता मांग रहा है, हफ्ता ही नहीं लड़की भी चाहिए इसे। मैंने कहा मैं अपनी लड़कियों को टेलरिंग और टाइपराइटिंग सिखाती हूँ, मैं तुम्हारी मांगे पूरी नहीं कर सकती। ऐसा कहा तो उसने मुझे मारा और लड़की को उठा के ले गया। ए, वो लड़की किधर है? ये पूछने वाली आप कौन है? इज्जत के साथ उसे हमारे हवाले कर दो। अगर नहीं कहते क्या करेंगे आप? तमीज से बात कर, औरत समझकर सिर पे मत चढ़ना। औरत माँ भी है, औरत देवी भी है, ऐसे औरत के सामने सर भी झुकाऊंगा, पूजा भी करूंगा और हाथ भी जोड़ूंगा। अरे मेकअप डालकर अपनी असलियत को छुपा कर मेरे सामने इस तरह आएगी तो मैं क्या तेरी पूजा करूंगा? अरे जाना। ए, इस वक्त तू किससे बात कर रहा है जानता है क्या? अगर मैं अपनी औकात में आ गई तो तेरी खैर नहीं समझे। हाँ क्या कर लोगी, क्या बिगाड़ोगी? हाँ उस लड़की को नहीं भेजूंगा, क्या कर लोगी? पर वाला भी आएगा ना तो अपन नहीं भेजेगा, क्या करोगे? अरे अपन भगवान से नहीं डरता, फिर तेरे जैसे कोटे वाले से डरेगी क्या? अरे सोनिया चौधा, अब उनकी खोपड़ी खराब होने से पहले तू इन सबको यहाँ से लेके चले जा वरना बहुत बुरा हाल कर दूंगा मैं। हाँ बड़ी सती सावित्री बनती है। चलो यशोदा पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं पुलिस स्टेशन नहीं चलना मुझे, खामखा बदनाम हो जाऊंगी मैं। लड़की की नसीबी खोटी है समझ के चले जाएंगे हम। कैसी बातें कर रही हो तुम? वह कमीना कितनी गंदी बातें कर रहा था, सुना नहीं क्या तुमने? झोपट पट्टी के लोग ऐसे ही बात करेंगे। चलो दीदी हम चलते हैं, चलो ना। भाई आप क्या इरादा है? आप चलो ना। ए मुसा गुरका कहाँ? लड़की को घर छोड़ने गया है। सुन बे इडली,
ब्याज देने की ताकत नहीं है, ब्याज से पैदा हुए औलाद अपनी चड्डी पहनकर यहाँ दारू पी रहे हैं। जाके सबको बुला कर लेकर आ। घूर घूर के मत देख, कर्जा कौन देता है? तेरा काम क्या है? तेरा कहना मानना। मुंह बंद कर और अंदर जा। अबे जा ना, बुला ला उन सबको। जाता हूँ लेकिन एक बात सुन ले, ये एरिया बहुत खतरनाक है, कुछ उल्टा पुल्टा अगर हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे जाना, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। एए, क्या है बे? कुछ नहीं, ये तो पुराना कोई डाकू लग रहा है। थोड़ी कंपनी देना। नहीं। अबे देना कहा ना, नखरा क्या तो बकरा बना दूंगा। लेकिन एक बात सुन ले, ये एरिया बहुत खतरनाक है, कुछ उल्टा पुल्टा अगर हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस बिल चोरी देने वाला है। कौन से गगन के चले, दिल ये मेरा लेके चले। अरे बाप रे, जान बची लखो पाए। अरे सब पी के टाइट पड़े हुए, उनके लाने के लिए ट्रेन लानी होगी। ये इलाका ठीक नहीं है। ए, क्या बाप का पैसा तेरा बाप देगा क्या? ए, क्या हुआ? कहानी कुछ ऐसी है, उस बड़ी प्लेट में चार पीस थे, चार पीस तीन तो यही गटक गया। पैसा नहीं तो तीन पीस वापस लाओ। क्या गुरु, तुम भी किसके चक्कर में पड़ गए, पार्टनरशिप में कबाब खाने लगे? ए, नाटक मत कर, जबरदस्ती इसने मुझे खिलाया। ये तेरा रिश्तेदार है क्या? अबे अक्कल से पैदल, यहाँ आने से पहले तूने मुझे कहा था ना यहाँ कोई लफड़ा नहीं करने का? है कहा तो था। ये ले, अब जाना। अबे चल, आ गया, चल चल। क्या गुरु, लाज इज्जत शर्म सब बेच के कबाब खा गए? इसलिए? अरे वो संडा साफ करने वाला आदमी तो उसके साथ कबाब खा लिए तुम बैठ के। हैं थू, चुल्लू में पानी डूब। मैं संडा साफ करने वाला है क्या? हैं सीधा प्रसारण। गुरु गुरु, फुल टाइट हो गया हूँ। आप सिर्फ लुढ़कना ही बाकी है। आप तुम क्या बोलते हो? अरे तूने बाबू से परमिशन लिए क्या पीने के लिए? चला, वो सब हमारी समझ के बाहर है। हमको सब पता है कि गांव वाले तुम्हारा बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। ये बताओ कि मंजू भाभी को तुमने कैसे पटाया? पर देखो गोरका, और तुम्हें कैसे समझाऊं, ये बहुत ही लंबी लंबी सी कहानी है हमारी। यू मीन किंग साइज? देखो, अरे अपुन जैसा आशिक की दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। अरे ऐसे लड़के पाने के लिए नसीब चाहिए, नसीब। हाँ नसीब उस्मा का अच्छा जिसने तुझे जन्म दिया। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। मच्छी फ्राई तेरे लिए। अरे वाह, लिसन ऑल माय बेस्ट फ्रेंड, सभी लोग शराब पी पी कर लेवर खराब मत करना, पेट भर के खाना भी खाना। और इसके डिनर राजा तो साहब दे रहे हैं, पहले जूम के पे उसके बाद भर पेट खाना खाते हैं, वरना ये गुस्सा हो जाएंगे। हाँ अरे इस साल की दिवाली हम धूमधाम से राजा तोली साहब के साथ मनाएंगे। ओ साहब कुछ काम की बात करो, वो आज के बाद मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। क्या? हाँ टिकट मिल रहा है। हाय हाय हाय, इनके दो तीन लड़कियां हैं, अगर ये मर गए तो हम क्या करेंगे? अरे भाई मारा क्या भेज रहे हो, क्या बक रहे हो तुम? टिकट मुझे एमएलए सीट का मिल रहा है। गुरु तुम्हारी माँ की कसम का? मेरी माँ गुजर गई, बाप भी साथ में चला गया, उनकी कसम। गुरु 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 मेरी बात तो सुनो, उम्मत तुम्हारी पक्की, अगर मैं जीत गया तो सामने वाली गवर्नमेंट को फटाक से गिरा दूंगा और उसके बाद मैं सोने में तोल दूंगा तुमको, तुम सबकी जिंदगी बना दूंगा मैं, फिर चारों तरफ अपना ही राज होगा। ऐश करोगे? ऐश ना, अरे ऐश तुम करते ही आ रहे हैं। अगर तुम मंत्री बन गया तो क्या गरीबी है? इलेक्शन में खड़े रहने के लिए मदद चाहिए। अरे भाई यू कम टू द पॉइंट मैन, समझाओ इसको। सर जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों की मदद चाहिए। इट मींस वी आर पुटिंग व्हाइट एंड व्हाइट एंड स्टैंडिंग बिहाइंड राजा तोले एंड राजा इंदिरा चंद्र, नारा लगाएंगे, नारा लगाएंगे, नारा लगाएंगे। उसके बाद बस में, गली में, सारे शहर में बैनर लगाना पड़ेगा, रात को दिन, दिन को रात करना पड़ेगा। तुम सब लोग चोरों की औलाद हो क्या? ए, सेक्रेटरी के बच्चे लोगों को खुश कर देना, वो सब तेरा काम कर देगा यार। हाँ अच्छा बाबा अच्छा, तुम इतना करके पुण्य कमा लेना, तुम सबको ऊपर उठाने का जिम्मा मेरा। मिस्टर राजा तोले तो जीत गया तो ठीक है, अरे जरा टांग दे उठाने दे। इस तरह अशुभ क्यों बोल रहे हो? देखो हमारा काम अगर होना है तो मेरी बहुत लंबी लिस्ट है, लिखना तो लिख लो। अरे पेपर में लिखना। लिखवा लो, देखो
मैं, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरे सारे दोस्त और उसके साथ तुम्हारी छोटी बेटी मंजू। हाँ वैसे मेरे परिवार में इतना ही लोग है, छोटा सा परिवार है। हमें महल नहीं चाहिए, मेहनत मजदूरी करके हम कुछ ना कुछ कमाई लेंगे रोज। गाड़ी नहीं चाहिए, पूछो क्यों? अगर तुमने दिला भी देना, हमें गाड़ी की कोई चार नहीं है। अरे देखो भाई, हम लोग तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। हमें कितने पैसे देंगे बोलो? ओके गुरु, दे दूंगा, बताओ तुम्हें कितना चाहिए। मम्मी ने बुलाया है, जल्दी से खाना खाना है, उठिए अब यहाँ से। ए माँ से जाके कहो कि खास सोशल मीटिंग चल रही है। हाँ बताओ कितना चाहिए। जब देखो बहाने बनाते रहते हैं, पापा मम्मी मीटिंग देख के परेशान हो चुकी है। परेशान हो गई तो बोलो जाके मरने के लिए। अरे तुम बोलो ना कितना चाहिए। अरे ए मुंह बंद करो, चिल्लाओ मत। इधर आओ ना, तू बेवड़ा कहीं का। अरे बताओ ना तुम्हें कितने चाहिए, जल्दी बताओ कितना। जो जिम्मेदार भाई, हमारी डिमांड को इलेक्शन से पहले पूरी कर देना है। कम टू द मुद्दा। हाँ अरे देखो गुरु, हमारे एरिया के लिए पानी, बिजली, टेलीफोन सब कुछ का बंदोबस्त तुम्हें जल्दी इलेक्शन से पहले करना होगा। डबल ओके। अगर वादे से मुकर गया तो मैं तेरा हाथ पैर सब काट दूंगा। ओके भाई ओके। ओके ऑल माय बेस्ट फ्रेंड, कम ऑन एंजॉय। कुछ भी मत छोड़ना। अरे हाय बाय डार्लिंग। क्यों बोल हमसे खबर है क्या? मेरे पापा तुमसे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम 100-200 मांग रहे थे। इसके अलावा और क्या मांगते हैं तुम उनसे? मुझे नहीं मांगते। अरे तेरा बाप तो डब्बा है, मुझे उसकी परमिशन नहीं चाहिए। अरे अपन तो दिल वाला है, दुल्हनिया को लेके जाऊंगा। लक्ष्मी ये क्या कर रहे हो? अरे पांडु पे पौड़ी फंस रही रे। ओहो 10:30 बज चुके हैं, उठ जा बेटा। अरे जाओ ना, नींद आ रही है। ओह रात को नाइट ड्यूटी करके आ रहे हो क्या? उठना। अरे नाइट ड्यूटी नहीं, जब भी देखो सुबह 8 बजे से पहले तो मुझे जगा देती हो। ओए गरम गरम चाय पी लो, मुझे और भी काम है। अरे माँ, माँ क्या हो गया? मेरी आंखें जल रही है। बाबूजी, अरे हटो हटो, मेरी आंखें। अरे माँ कुछ नहीं होगा। अरे जगदा क्या हो गया तेरी माँ को? अबे ओए डॉक्टर, दवाई देने के बजाय कहानी पूछ रहे हो? अरे बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू क्यों घबरा रहा है? कुछ नहीं हुआ है, मत घबरा। अरे माँ को एक मिनट में ड्रॉप दे देता हूँ। देखिए मैडम, अब चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। अरे आराम से। मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा। अरे मेरा प्यारा बेटा क्यों रो रहा है? तू दिन भर इतना दौड़ भाग करके थक जाता है और ऐसी छोटी सी बात को लेके बच्चों की तरह रो रहा है। नहीं बेटा नहीं रोते, मेरा प्यार बेटा। मुझे गलती हो गई माँ। मेरा बेटा आज से सारे डॉक्टर स्ट्राइक पर है, मामला भी बहुत गंभीर होता जा रहा है सर। मरीज के कफन बेच के खाने वाले वो डॉक्टर लोग, अब उन्हें क्या चाहिए? हड़ताली कर रहे ना, करने दो, आखिर कब तक करेंगे? अरे जिंदगी में कई डॉक्टर ऐसे देखे, अब उन्हें जाने दो। सर इलेक्शन करीब है, हमें दिमाग से काम लेना होगा। इस इलेक्शन में पिछली बार से 3 सीट ज्यादा जीतेंगे तो सत्तारूढ़ पार्टी को गिरा के हमारी पार्टी सरकार बनाएगी। ये हेल्थ मिनिस्टर कलिंगा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर। अगर ऐसा ना हुआ कोई दूसरी पार्टी आगे आ गई तो? इसकी काली जुबान है। हिंदुस्तान में इलेक्शन कैसे होता है तुझे पता नहीं क्या? गरीब जनता को उल्लू बना के हमें सीटें हासिल करनी है, दैट्स ऑल। लोग हम पे विश्वास करते हैं और विश्वास का खून करेंगे हम, कौन पूछेगा? वो तो ठीक है साहब, इस बार जिस एरिया में इलेक्शन हो रहा है वो एरिया तो झोपड़पट्टी वालों का है। वहाँ की जनता किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे, ये कोई नहीं जानता। पहली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिस्टर प्रकाश बाबू को सर पे चढ़ाकर एमएलए तो बना दिया, और उसी जनता ने अंडमान के रिलीफ फंड के लिए एक फूटी कोड़ी तक भी नहीं दी थी। हमारी जनता पागल है, बिल्कुल पागल है। पागल जनता है, पागल जनता के लिए मैंने भी एक पागल को चुन के रखा है। हाँ मंत्री जी नमस्कार। तेरे के नाम लेते ही हाजिर हो गया राजा तोले। प्लीज 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 कम कम। अरे मर गया। रुके। हाँ हाँ मंत्री जी। अरे ना 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 पाए लागो मंत्री जी, पाए लागो।
मैं तो तुम्हें याद कर रहा था। क्यों राजा तुले, गुंडागर्दी छोड़ दी क्या? कितनों को लूटा तूने? अरे तुम अपनी आदत से बाहर नहीं आओगे, मैं जानता हूँ। भला अब तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी मैंने। छोड़ दी तो क्या हुआ, पैंतरे थोड़ा ना भूल सकता हूँ। अब तो गुंडागर्दी छोड़ के मैं सीधा आदमी बन गया। अरे मंत्री जी, माँ की कसम मैं राजनीति में आ रहा हूँ, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, कसम पराया कसम की सब छोड़ दिया। मंत्री जी, तन मन से जनता की सेवा में लगा हूँ, सारा इलाका अपने काबू में कर रखा है। जनता तो अभी से जय जयकार करने में लगी है, अगर आप टिकट दिलवा दे तो। अरे गिड़गड़ा क्यों रहे हो, एक बार स्ट्राइक तो खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं टिकट लेने के लिए जाऊंगा। अभी क्या तो सीएम गुस्सा हो जाएगा, फिक्र मत कर, तुझे एमएलए बनाऊंगा। जय हो मंत्री जी, हेल्थ मिनिस्टर कलिंगा जी की जय हो। देखो कृष्णा, मेरे भाई की हालत देखो, वो कोई इंसान नहीं है बल्कि फौलाद की बनी हुई एक मशीन है, मशीन। देखो उस जग्गे का तुम्हें कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा, तब जाकर मेरे इस जख्मी दिल को चैन मिलेगा, ये जान लो तुम। भूखे शेर की तरह वो इस इलाके को उखाड़ने की धमकी देकर गया है, तुम्हारे होते हुए कोई ऐसा करे तो तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। हमारे अड्डे को सिर्फ तू ही बचा सकता है, नहीं तो हम सबको एक दिन तीर्थ यात्रा पर निकलना पड़ेगा। एक शाहरुख खान है तो दूसरा जैकी चैन, जाओ वो जो जमीन फाड़ कर निकला उसके तलवे चाटो। हमारे इलाके में आके हमको ही धमकी दे रहा है और तुम दोनों उस कुत्ते से डर के सीधे यहाँ पर चले आए। गौड़ को फोन लगाओ, जल्दी गौड़ को फोन लगाओ। क्या बात है कृष्णा भाई, मुझे जल्दी बाहर निकालो। अरे मैं तुझे छुड़ा लूंगा, लेकिन जेल ही तेरे लिए सेफ है, समझने की कोशिश करो। मैं समझ रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी माँ के कसम 100 साल जिएगा तू। वो ये है कि अभी इलेक्शन सर पर है ना, जब तेरी पहले छुड़ा बाद में सुना। शो डेल शो गुरु, हम सब मिलकर एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में शादी करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। और सुहागरात कैसी बातें कर रहे हो माँ, क्या बात है बताओ क्या हुआ? वो क्या है, आप उनका भाई, तुमसे मिलना चाहता है। माँ तुम अंदर जाओ। जग्गा तुझे ही कहते हैं ना, राशन कार्ड दिखाऊं क्या? सुना है बहुत उड़ी मारता है तो। मेरी मर्जी। राइटर है, फाइटर है या फिर प्रोपराइटर? तेरे बाप से पूछ लेना। तमीज से पेश आओ। अगर नहीं आए। बच्चा है तू, बड़ों की इज्जत करना तेरे बाप ने नहीं सिखाया क्या? हवा आने दे, 15 साल दलाली करने के बाद तुम लाइन पे आए हो, संभल जाओ वरना सबके सामने तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। अब उनके गरम खोने बैठना ना है। तेरी इस गरम बाड़ी को डेड बाड़ी में बदलना ये कृष्णा बहुत अच्छी तरह जानता है, देखते रहना इलेक्शन के बाद कृष्णा तेरा क्या हाल करता है। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, जो कहता हूँ करता हूँ। अरे तुझे तो अपन कुछ और समझता था, लेकिन अब पता चला कि तू गीदर से भी बदतर है, और ये भी पता कि तेरे ऊपर खून का कई इल्जाम भी है। अरे खाली पीले अपन के साथ पंगा क्यों बोलता है? अरे तेरे से निपटने के लिए अपन तैयार है, केस से निपटने के लिए तू तैयार है क्या? अरे तेरे जैसे को बहुत देखा है रे जाना। आंखी पढ़ के क्या देख रहा है, चल आवाज दे, चल चल। अरे सीट मत करना, जाना जा जा जा। अरे जाना, झगड़ा नहीं करना बेटे। ए, कौन है तुम लोग, क्या चाहिए? अरे माँ चुप रहना, ये लोग डरपोक है, कुत्ते गली के हैं, ऐसे आए हैं मिलने के लिए। गुरु गुरु सब पे सब लापता है। ऐसा क्या? सिगरेट कह रहा हूँ। नो, एक सिगरेट फूकने से तेरी चिता नहीं फूक जाएगी, पी ले। नहीं चाहिए। क्यों नहीं? सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, ये पैकेट में लिखा नहीं है क्या? अबे अकल के अंधे, वो पैकेट में लिखा है, सिगरेट में थोड़ी लिखा है। प्रियतमा, प्रियतमा,
नहीं बोलना। इसलिए वो जो लड़की को तुम देख रहे हो, जिसे तुम पटा रहे हो, उसके आदमी इतने खतरनाक हैं कि तुम्हें चीर के रख देंगे। हाँ दे दे दे, मुंह बंद कर कुत्ते। शायद उसके पास कड़क कड़क नोट नहीं होगा, जिसके पास ये कड़क नोट है वो दुनिया को बस में कर सकता है, समझा? मेरी बात सुनो गुरु, संडास वाले ने रास्ता काट दिया है, खतरे की घंटी बज चुकी है, कभी भी खतरा सर पे आ सकता है। हाँ जाओ गुरु जाओ, कुत्ते के तुम कभी सीधी हुई है जो आज सीधी हो गई है? चेंज प्लीज। अरे सुबह से धंधा नहीं हुआ, जाओ जाओ बहन, जाओ जाओ कहीं, आ जाओ। ताला है क्या? अरे जाना तो दुकान बंद करके लगा दो। एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए? चेंज चाहिए प्लीज। रख लो। इतने पैसे किस लिए? सब तुम्हारे लिए है। वो किस लिए? आई लव यू। यू तेरी तो जग्गा। दिल रुबा। अरे गुरु कहाँ उसके पीछे जा रहे हो? अरे गुरु मत जाओ। कपड़ा बन पहन यार। गुरु वो दोनों प्यार करते हैं, अगर उन दोनों के बीच में तू आया ना, तेरी बड़ी इसी दुकान को जला के खाक कर देगा वो। बता देता हूँ, वो मोटा सा आदमी, वो मेरे हाथ में पैसों की गड्डी देके मुझे गलत नजर से देख रहा है। कौन? वो कालिया? हाँ वही। यहाँ। अरे आना क्या दावत ले ले। ब्रेक प्लीज। क्या साहब? अरे कुछ नहीं, तेरी चाल देखने के लिए बुलाया मैंने। खैर अब जाओ तुम। That's it. Thank you. Tan tan tan. किस तरफ टांड मारता हूँ, देखने के लिए बुलाया क्या? ऐसी बात नहीं। अरे जब यहाँ तक आए हो भाई, इनके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा पिलाते हैं। थैंक यू। वही है ना। हाँ पी लीजिए। आप लोगों के लिए? अरे कोई बात नहीं, पी लीजिए। बलि चढ़ाने से पहले बकरे को पानी पिलाना पड़ता है ना। पीले पीले। क्या तुम्हारे इलाके में लड़कियों को पटाने वाले को कूल ड्रिंक्स पिलाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कुंडा भैया, तुम कराड़ा जानते हो ना? हाँ भैया। जरा अपना स्टाइल इसे दिखा दे यार। जल गई। अब इस दुकान के सहारे कहाँ बैठूंगा मैं? इस तरह के ट्रीटमेंट देने के लिए तुम्हें किसने सिखाया? अरे ट्रीटमेंट को छोड़ो, पहले टॉयलेट के अंदर जाकर बाहर तो आ जा। टॉयलेट? मैं किस लिए? तूने जो कोल्ड ड्रिंक पिया ना, उसमें जमाल गोटा मिला दिया। बहुत ज्यादा चढ़ा लिया है क्या? पूरी बदली खाली कर दी। सीधे अंदर जाओ। अरे जाने दे मास्टर को, सोने दे। हाँ सोने दे। लगेज के लिए पैसे? हाँ माँ, ये बुरी आदत है, बोल देता हूँ मैं। चुप करना। अरे चुप करना, कम से कम इन सबको ये उठा के तो लाया है। अरे माँ तुमने मास्टर जी को 100 रुपए दे रहा, उसमें से 50 रुपए दार मुड़ा दिया और बोल्ड हो गया वो, और बाकी के पैसे चंडाल चौकड़ी ले गए। चुपी कर माँ जी, मैं ले लूँ क्या? ए तू चुप करना, ये मजाक कर रहा है। सर ऐसा नहीं करने का, करना है तो ऐसा एक दो एक दो एक, ऐसा करना है। ऐसा भी तो ठीक है ना? अगर यही हाल रहा तो फटी में आंखें भी बंद हो जाएगी गुरु। शूटिंग देखो, बकवास मत करो वरना भगा दूंगा यहाँ से। मार रहे हो? क्यों मारा? अरे बजरंग बले के चेले हैं हम। अरे जो ही गुस्सा आया तो ही पटक दिया दार चाल। हेलो मिस्टर, खड़े होके कमेंट करना आसान है, नाचना नहीं। अगर हिम्मत है तो कैमरे के सामने आके नाचो। अरे आजा आजा आजा, उसने मुझे चुनौती दी और तू रोने लगे। हाँ दिखा दो क्या उसे। हाँ अरे आप उन बड़े बड़े गुंडों को नचाया तो फिर ये किस केस की मूली है? मजा आ गया यार। गुरु वो अपने पड़ोस की माला है ना, वो चार माले से नीचे गिर गई।
हेल्थ मिनिस्टर, दादागिरी हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर डॉक्टर, यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है, सारे के सारे डॉक्टर बाहर बैठ के स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक? जी हाँ साहब, सारे डॉक्टर बाहर बैठे हैं। कोई भी नहीं क्या? कोई भी नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया है? ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा क्यों कर दिया? ये क्या है? दो रात दो हफ्ते में यह आठवीं मौत है डॉक्टरों की मनमानी की वजह से, और कितनी जानी जाएगी भगवान ही जाने। क्या करे हम? हमारी मांगे, हमारी मांगे, चलो उठना। अरे थोबड़ा क्या देख रहा, चलो उठना। क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम लोग? ट्राई कर रहे हैं। किस लिए? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक कितनी जाने जाएगी बताए तुम्हें? ये सरकार को देखना चाहिए, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती हम इस जगह से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। अरे साहब वह हमारी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनका कौन देखेगा? उसे उसकी किस्मत पे छोड़ दो। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, इसकी भी लाश भेज दूंगा मैं। हड़ताल को जारी रखो, भाई से ऊपर भेजता हूँ अभी। साहब वो सीनियर सर्जन है, बुजुर्ग आदमी है, इन्हें क्यों मार रहे हैं आप? अब तुझे दर्द हो रहा है ना? हम लोग गरीब लोग हैं, हम बीमार पड़ते तो अपोलो या ब्रिज कैंडी नहीं जाते हैं, तुम लोगों के पास आते हैं, तुम लोगों के पास। हम लोग तुम्हें इंसान नहीं समझते हैं, जान बचाने वाले देवता समझते हैं। तुम लोग किडनी चोरी करो या आंखें चोरी करो, फिर भी हम तुम्हारे पास ही आते हैं, क्योंकि हमें तुम पर विश्वास है। इसीलिए उस विश्वास का खून मत करो, चुपचाप अपने काम पे लग जाओ, वरना तुम्हारे सफेद कपड़े को लाल कर दूंगा मैं एक मिनट के अंदर। हाँ ओए, तुम लोग गरीब लोगों की लाशों पर से गुजर कर अपनी मांगों को किसी भी तरह पूरी करवा लेते, पर हमारे बारे कभी सोचा है क्या? बेटे हमसे गलती हो गई, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी, हम लोग अभी से ही काम पे लग जाएंगे। कलिंगा जी की, 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 कलिंगा जी की। मंत्री जी आपका स्वागत है, कलिंगा जल्दी आशीर्वाद ले लो। अरे जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। मंत्री कलिंगा जी की, मंत्री कलिंगा जी की। मंत्री जी ये जग्गा है, हमारी युवा ब्रिगेड का नेता, इसी ने डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराई। अरे ये तो खिलाड़ी है, खिलाड़ी। बहुत खुशी हुई हमें। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी की तरफ से राजा तोले चुनाव लड़ रहे, हमें बहुत खुशी हो रही है। एक और बात, इनके साथ जब जग्गी जैसे इंसान है तो इनकी जीत जरूर होगी, जरूर होगी। जब डॉक्टर ने स्ट्राइक किए उसे रोकने में सरकार नाकाम रहे और पुलिस भी कुछ नहीं कर सके, अरे कोई कुछ नहीं कर सके और हम भी कुछ नहीं कर सके, लेकिन इस नौजवान ने जो करके दिखाया वो काबिले तारीफ है। युवा नेता जग्गा की, मंत्री जी को इलेक्शन में हम सबका साथ चाहिए। चलिए मंत्री जी, चलिए मंत्री जी, सामने से हट उद्घाटन करना है। रेडी? भविष्य के मुख्यमंत्री कलिंगा जी की जय हो। हां मुमिता जी, मुमिता जी के लिए आहा शांत शांत, रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए, हटिए। उस इलाके से राजा तुली को जिताओगे ना तुम? अरे मंत्री जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वो इलाका तो आपन का है, और आपन बोलेंगे ना सब लोग आपन की बात मानता है। हाँ ये हुई ना बात, बहुत अच्छा लगा। ऊपर आओगे राजा तोले? बोलिए मंत्री, एक बार इसे लेके मेरे घर आ जाना तुम। कसम से लेकर के आऊंगा, भविष्य के मुख्यमंत्री कलिंगा जी के। थोड़ा संभाल के, चलो दोनों साथ मिलके खेलते हैं। तुम लोग आराम से खेलो, मैं आती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बैठ जाइए प्लीज। ये क्या, आज सरकार हमारे घर पे तशरीफ लाए हैं? अरे ये तो कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ दिन इंतजार कीजिए, वायलेशन के बाद हम गठबंधन सरकार बना लेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरकार, दो पार्टियां मिलकर सरकार को चला रही हैं। आप सब लोग एक दूसरे को साथ देने का वादा करके एक दूसरे की टांग क्यों खींच रहे हैं? गठबंधन सरकार यूं भी ज्यादा नहीं चला करती, क्या आप समझते हैं कि जनता को इसकी खबर नहीं है? खबर होने के बाद भी वोट नहीं देंगे। आप कौन है, मैंने नहीं पहचाना? ये हमारे पार्टी का सदस्य है मैडम, वैसे इनका नाम है गावली कृष्ण कुमार। ओ, अंडरवर्ल्ड डॉन गावली कृष्णा, मतलब आप सब जानती हैं। निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ना चाहते हो, मुकाबला किससे है ये भी तो देखना चाहिए। आज के बाद कोई रिस्क नहीं उठाएंगे मैडम। क्यों डरते हो क्या? जी 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 जी,
डरने की कोई बात नहीं मैडम, अगर निर्दलीय उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ेंगे तो वोट बटने का डर रहता है, इससे राजातुली का फायदा होगा, इसलिए आप हमारे पार्टी की तरफ से चुनाव लड़िए। अगर आपकी पार्टी हमारी पार्टी से मिल जाती है तो हम आसानी से सरकार बना सकते हैं मैडम। आप हमेशा गलत आदमियों को ही सही रास्ता दिखाती आ रही है मैडम। अगर आप हमारी पार्टी से मिल गए तो आसानी से हमारी जीत हो जाएगी, वरना वो कलिंगा सीएम बन बैठेगा मैडम और हमारा हाल बेहाल। आपकी बातों में खासा दम है, हार भी गई तो कोई बात नहीं, इंसाफ के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। आपको जीतवाने का जिम्मा मुझ पर है, उसकी गारंटी मेरी। ओके ओके, बहुत खुशी हुई मैडम। नहीं मैडम, आप कल ही नामांकन पत्र भर दीजिए, बाकी का सारा काम मैं संभाल लूंगा। क्यों भाई? ठीक है मैडम। ये क्या किया तुम लोगों ने? सरेआम मेरी पगड़ी उछाल दी? तुमको किसने कहा था कि सरेआम शराब बांटो? ये क्या किया तुम लोगों ने? सब करा कराया गुड़गोबर हो गया। मेरे सामने लेडीज कैंडिडेट आ रही है। ए सेक्रेटरी, मुझे औरतों से चिढ़ी, ये बात उन्हें कैसे पता चली? जानते हो इसका क्या असर होगा? साहब जी, भूतपूर्व सीएम जीएम पाटिल की तबीयत खराब है, इसकी खबर पब्लिक को हो गई। पब्लिक फिगर है ना, राजनीति के बारे में वैसे आप लोग जानते हैं ना। मैं जितना कहता हूँ सिर्फ उतना सुनो। साहब जी, दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, दिमाग पहले से ही खराब है। अरे अरे, कहाँ जा रहा? अंदर जाना मना है, तुम जा नहीं सकते अंदर। मैं कौन हूँ जानते हो? कोई भी हो तो मुझे क्या? चली जाएगी, चली जाएगी तेरी नौकरी, चली जाएगी। तू क्या समझता अपने आप को? तेरी तो ए राजा तोले। मंत्री जी नमस्कार। नामांकन भरने की तैयारियां हो चुकी है ना? मैं तो हमेशा उसके लिए तैयार हूँ मंत्री जी, लेकिन अपोजिट पार्टी देखकर मेरी घिग्गी बन रही है, क्योंकि सामने ललिता जी खड़ी है ना। ये क्या कह रहा है भैया? मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है तो उस मामले और उसे क्यों डर रहे हो तुम? ये देखिए कौन है वो। मंत्री जी क्या बताऊं? आप चिंता ना करें, मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, इसका जीत तो लूंगा ही इलेक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लेडीज हो या जेंट्स, उससे क्या फर्क पड़ता है। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। मंत्री जी, ए यहाँ जलाने के लिए बाहर जाओ, बाहर जाओ। बकवास बंद कर, मैं फौज के साथ आऊंगा। क्या हुआ सर, क्या बात है? हेल्थ मिनिस्टर का एक काम किसी ने ठीक से नहीं किया। किसने सर? जिसे मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था, यानी तुम। मैंने? मैं तो सारा काम ईमानदारी से करते आ रहा हूँ। टेक द फाइल, टेक द फाइल, टेक द फाइल। दवाई का कॉन्टेक्ट आपके छोटे भाई के लिए जो पीछे पीछे सर, वो मेडिकल कॉलेज उसके पीछे। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर। कुछ समझ नहीं पा रहे हो? और पीछे और पीछे देखो। देखो ये अभी तक जिंदा क्यों है? जिंदा क्यों है सर? वो तूने मुझे चिता दिखाई थी। चिता सर, वो चिता। वो किसकी चिता थे और लाश किसके थे? मेरी बहन किसके थे? मेरी बहन की चिता। बहन मीटिंग ओवर। कहां से आई वो और मुझे क्यों नहीं पता चला? देख लिया ना, आखिर वो आ गई ना, उसकी रगों में भी शाही खानदान का खून बह रहा है। इस बार उसे छोड़ना नहीं, खत्म कर डालो उसे। खत्म करोगे? खत्म करना तो दूर, छू भी नहीं सकते। उसकी पहुंच का अंदाजा आपके फरिश्तों को भी नहीं। सुनो कलिंगा, उसकी जीत मुकर्रर है। जीत हमारी मौत है, उसे खत्म कर दो, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो उसे। राजा तुली के राजा तुली के ललिता देवी के, ललिता देवी के, ललिता देवी के, ललिता देवी के, राजा तुली के, राजा तुली।
मिटेंगे। कौन जग्गा? विपक्षी दल भी सामने है, सुना? हाँ, घबराइए मत साहब। हवा किस तरफ बह रही है? दोनों तरफ बराबर बह रही है साहब। ललिता देवी की जय। ललिता देवी की जय। वो अरब साई नहीं साहब, आप उनको धमकाने के उसने गावले कृष्णा को आप उनके घर भेजा, लेकिन आपने उसके ऐसे मरम्मत कर दी ना। तुम भी अपने लड़के को लेके जाओ और से डरा धमका के आ जाओ। अरे आप ऐसे काम नहीं करता साहब, जो भी काम करता ना मतों की तरह आगे से करता है। ठीक है, वो कुछ करेंगे तो नहीं ना। अगर उनकी तरह अपन भी उतर आ गया ना तो आप उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। अरे आप उनका काम करने का अंदाज अलग है। बहुत शुक्रिया राजा तुली की। राजा तुली की। सुंदर सिंह, मुझे इस लड़के पर पूरा विश्वास है। लगेज सब गाड़ी में डालो। सुन बेटा, एक हफ्ते की छुट्टी दे दी है सबको मैंने। जाने के करोड़ रुपए का नुकसान है। क्या? अरे कुछ भी नहीं, मैं जा। ए, घर का अच्छे से ख्याल रखना तुम। और सुन, हाँ? चित्रा को तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ, अच्छे से खाना वाना खिला देना। खाना? हाँ तू। और मैं बनाऊँ? हाँ? मुझसे नहीं होगा। ये अपना मुंह बंद करना तू। अच्छा बेटा, मैं भी चलता हूँ। अरे वाह बादशाह जी, क्या बात है, दारों की खुशबू आ रही है। मैंने कहा पी रखी है, मंदिर जाते समय कोई पीता नहीं। सुनो, मेरे मंदिर से लौटने तक पियोगे नहीं, कसम खाओ तुम। अरे रे, ये तो बहुत मुश्किल की बात है वहाँ। अरे रे, ड्राइवर भाई, ड्राइवर भाई, गाड़ी थोड़ी देर रोको ना, 50 रुपए का नोट देता हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ये मेरा तीसरा ट्रिप है। तेरे लिए तो तीसरा ट्रिप है, पर मेरे लिए तो पहला चुनाव है। अरे बहन जी, बहन जी सब जा रहे हैं। अरे बहन जी रुक जाओ, बहन जी वोट देने आ जाइएगा मौके पर। बहन जी हाँ। अरे भाई साहब डरो मत तुम। अच्छा चलिए, चुनाव से पहले आ जाऊंगी मैं। अरे हाथ छोड़। अरे वहाँ संभल के जाना। आया आया, चलो चलते हैं। अरे ये कुंडा एक मिनट ना, चलो चलो। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है। ए काटिया, ये शक्ल से ही चोर लग रहा है। हमारे धंधे के बारे में इसे सब समझा दिया है ना? हाँ समझा दिया। हाँ तो काम कब से शुरू करने वाला है? इसी वक्त से शुरू करते हैं। हाँ तो ठीक है, ये ले, इसमें 10 लाख रुपए हैं। सही ढंग से काम करेगा तो और पैसे मिलेंगे। और सुन ले, अगर बच्चे मेरे साथ कोई गद्दारी करते है ना, तो मैं उन्हें बाजार में बेच देती हूँ। ठीक है, समझ गए। जीतेगी भाई जीतेगी, ललिता जी जीतेगी, 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 जीतेगी भाई जीतेगी, ललिता जी जीतेगी। अरे माता जी, बहन जी। अरे रे रे रे, घर पे ताला लगा हुआ, देख नहीं रहा? अरे रे, कंफ्यूज हो गया हूं, जरा पानी पिलाओ। पी लीजिए, पी लीजिए। नमस्कार नेताजी। अरे नमस्ते कलेसी। कलेसी नहीं भैया, मैं मलेसी हूँ। वो तुम्हारा छोटा भाई कलेसी कहाँ है? अरे वो छोटे नहीं, बड़े भैया है। हाँ तभी तो उसने दो दो शादी की है। अरे उस बात को तो 3 साल हो गए। ओफो, 100 करोड़ की जनता में मैं कितने कलेसियों को याद रखूं? देखो भाई, तुम सब कुछ याद रखना, भूलना कुछ मत, मगर कुर्सी को जरूर याद रखना। अरे मेरे घर में भी कुर्सी है, ऑफिस में भी कुर्सी है, दे देंगे। तू ही एक भारत माता का सच्चा सपूत है। अरे तेरी नजर उस आदमी पे कहां कहां से चले आते हैं। चलिए मुझे दो चाहिए, दो। हाँ अरे ये क्या दादागिरी कर रहा है तू भाई, क्या हो रहा है सब? अरे मारो इसे, मारो। अरे तुम्हारी तो बॉल खुल गई। ए भाई, आपने दारू बस्ती वालों को बांट दिए, सारे लुढ़क चुके हैं, उनकी मौत निश्चित है। करो दूसरे एरिया में करो, बहुत ही खतरनाक एरिया है। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ता है? समझाने की जरूरत नहीं है। हा? अरे मेरी अम्मा, तू रेडी हो गई? जी हाँ सर, बस 5 मिनट और। देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो, तेरा एक एक स्टेप 100-100 वोट के बराबर होना चाहिए। सबका बैंड बजा देना, डिंग डिंग डिंग। यूं समझो तुम्हारा डांस देखने आए लोग बेहोश होकर मुझे ही वोट देकर जाएंगे, ये मत भूलना। हमें चला, मैं चला, मैं चला। और सुनो, जिस्म के सारे कपड़े उतार कर फेंक देना। ये क्या बकरे हैं? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं कह रहा था कि तुम इन्हीं कपड़ों में डांस करना चाहती हो ना, और तुम भी यही कपड़े पहनकर डांस करोगी। हाँ? इसके ऊपर एक शर्ट डालो, शर्ट हाँ? के ऊपर जैकेट, जैकेट हाँ? के ऊपर तुम कोट डालो, उसके ऊपर तुम शॉल डालो, एक एक करके तुम सारे कपड़े उतार देना। ठीक कहा ना? हाँ?
समझ गई ना? आजकल पब्लिक यही चाहती है कि डांसर स्टेज पर, यही डिमांड है। अरे अरे क्या हो गया? वो उल्टी क्यों कर रही है? अरे क्या हो गया? पानी? अरे ये क्या हो गया? अरे अरे क्या हो गया? ऑफिसर, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। नहीं सर, इन लोगों के शरीर को मैं किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगी। कैसे इंसान हैं आप? 15 लोगों की जाने गई, 10 लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं यहाँ। इन सब का जिम्मेदार कौन है और कौन इन्हें इंसाफ दिलाएगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक किसी भी कीमत पर इन लाशों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाथ नहीं लगाएगा, हाथ नहीं लगाएगा। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। सुनो, पोस्टमार्टम से पहले हेल्थ मिनिस्टर यहाँ आने वाले हैं और मरहूम को मुआवजा भी दिलाएंगे। छानबीन करने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। अब छानबीन क्या करना है? वो राजा दूली जग्गा जैसे मवाली को साथ में रखकर ये काम करवा रहा है। ये बात पूरा गांव जानता है। पहले तो जग्गा को अरेस्ट करो, उसके बाद उसके पीछे जितने भी है सब आ जाएंगे। तब तक यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। बैठ जाओ सब। हेलो सर। यस सर, आई एम कमिंग सर। ऑफिसर ध्यान रखना कि यहाँ कोई प्रॉब्लम ना करे। ये जग्गा कौन है, कहाँ रहता है, इंक्वायरी करके मुझे फोन करना। ओके ओके सर। तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, लाओ। इधर आइए, इधर आइए ना। इसी टोपी को पहन कर ये वहाँ पर शराब बांट रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ मैंने देखा है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बजाय एक देवता जैसे इंसान को गिरफ्तार करके ले जा रहा हूँ। अक्कल नहीं है क्या तुम लोगों को? बच्चों शराब बांट रहे थे उस दिन, तूने मारा था। तुमने ऐसा क्यों किया? उस दिन तूने मारा, उसका बदला लेने के लिए हमने ऐसा किया। आ, 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 आ,
हराम के पे लो, सच्चाई से मैं भी वाकिफ हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सच उगलवाना चाहता था। ए मुंह क्या देख रहा, हथकड़ी खोलना, नहीं तो पब्लिक मार मार के तेरी धज्जियां उड़ा देंगे। खोलना। अरे वाह 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 महालक्ष्मी जी, आपका भी कोई जवाब नहीं है। ये जो चप्पल है ना, उससे मृतक के परिजनों को दे दीजिए, रोज सुबह शाम पूजा करेंगे और फिर क्या पुण्य कमाएंगे आप। ईश्वर की कसम खाकर कहती हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती किसने की ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका अंजाम गलत हुआ है। इससे पहले कि लोग पत्थर उठा के आपको मारे, यहाँ से निकल जाइए आप। ए, राजा दुले इधर आना। सभी लोग शांत हो जाओ। हो गया बस। बोलो। मरहूम को मुआवजा देना होगा। आ, क्या काम है? तुम न तो तेरा बाप देगा। गुरु चुप बैठना, सरकार देगी इन्हें। ओए सरकार देगी, सरकार पर तो सबका विश्वास उठ गया। तुझे जनता का हीरो बनना है ना, तो पैसे निकालना। एक मिनट इधर आओ ना, मंत्री से बात करके मैं पास करा लूंगा। अभी दो मिनट से बात करोगे, वो सैंक्शन करेगा, एक टेबल से दूसरे टेबल पर आएगा, उसके बाद अफसर से लेकर चपरासी तक खाएगा और मृतकों के परिवार को मिलेगा सिर्फ एक रुपया, उससे क्या करेगा वो। हाँ चलो निकालो निकालो। अरे गुरु शैतान की अम्मा से हमने ब्याज पर लिया ये। इसे रख लो, इन पदों से दाह संस्कार करने के लिए बोलो, जाओ जल्दी जाओ। जहाँ तक मैं समझता हूँ मैडम, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। गलती किसी ने भी की हो, लेकिन मुंह तो मेरा काला हुआ ना। अगर ये सोच कर बैठेंगे तो होने वाला काम भी पूरा नहीं होगा। हेल्थ मिनिस्टर से हमारी बात हो चुकी है, वो भी पहुँचे हुए नेता है। कलिंगा जी चाहते हैं कि आपसे एक बार मिल ले। मुझे उससे क्या लेना देना? देखिए, अगर आप उन लड़कों को बुलाकर समझा देंगी तो वो जरूर आपकी बात मानकर आगे से गलती नहीं करेंगे। मैं मर जाऊंगी पर ऐसा नहीं करूंगी। ऐसा मत कहिए मैडम, अगर कुछ हो गया तो पार्टी की बदनामी हो जाएगी। लेकिन मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। यह कहा की राजनीति है मैडम, हम लोगों ने भी तो अपनी जान जोखिम में डाली। मैंने पहले ही कह दिया था मेरे पीछे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मैडम अगर बुरा ना माने तो आप एक बार बताएंगे? शट अप, दोबारा उसका नाम मेरे सामने लिया तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रख दूंगी। मैडम मैडम कृष्णा अब क्या करें? यहीं पर बैठकर उसकी पूजा करो। तुम्हारी पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली ना, अब जूतों से मारो मुझे। देखो आज के बाद मुझे भूल जाओ, अब तू जाने वो जाने। कृष्णा मुंह बंद कर, मैं जानता हूँ अच्छी तरह अपने लोगों को कैसे बाहर निकालना है। अरे मेरी बात तो सुन। और झांसी की रानी से कहो कि इस गौली कृष्णा से बच के रहे, अब उस लोंडिया को पता चलेगा मैं कौन हूँ। किस्मत, हाय री किस्मत, उस नालायक को अपने साथ रख के मैंने खुद को बर्बाद कर लिया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। साहब जी वो जग्गा तो उस जग्गी का नाम भी लिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या है पापा पागलों की तरह बड़बड़ा रहे हैं, चुप रहिए ना। 24 घंटे उस जग्गा के साथ घूमते थे, अब आप उसी को गाली दे रहे हैं। क्यों ना दूं, उसने डुबो दिया मुझको, 1500 होते तो छोड़ भी देता मैं। पूरे 2,00,000 मैं देखा भी नहीं ठीक से, वो लोग क्या मेरे रिश्तेदार थे? उन भिखारियों क्रियाकर्म के लिए सारे पैसे मेरे ले लिए, ये सब जग्गा लोफर की वजह से हुआ है। हेलो, क्या कर दिया मेरे पापा के साथ तुमने? क्या हुआ, क्या कहा उसने? ओफो, वो तो यहाँ पे पूरा तांडव कर रहे हैं, पी के टाइट होके सर पटक रहे हैं अपना। एक काम कर, शराब की मदद से सर पे मार देना। कंजूस की औलाद एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है, गरीबों की थोड़ी मदद की तो क्या हार जाएगा क्या? वो शराब वाला मामला है क्या? अरे मंजू सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, गरीबों का खून चूसने वाले हैं, अपने फायदे के लिए अलग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ तेरे जैसे शराबी से शादी करने से पहले शायद मुझे भी सोचना पड़ेगा। अरे अरे अपन देसी पीता विदेशी नहीं। हाँ चाहे देसी पियो या अंग्रेजी, शराब तो शराबी है ना। ए मंजू अपन तेरे बाप की तरह शराबी नहीं है। वो छिप छिप के पीते हैं और तो खुले आम पीता है, रिजल्ट दोनों का एक ही है ना? अरे एक बात, तेरे से शादी हो जाएगा ना अपन दारू पीना ही बंद कर देगा, तेरी कहता अपन दारू पीना बंद कर देगा। हाँ तेरी बात मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अपन बजरंग बले की कसम खा के बोलता, तेरे घर में जो शंकर भगवान है ना उसकी कसम खा के बोलता, अरे तेरी कसम खा के बोलता कि दारू पीना छोड़ दूंगा। मंजू मैं तुमसे रोज मिलते रहूंगा, रात के 12 बजे अपन तुझे फोन करके तंग करता रहेगा और तू अपन से मिलने के लिए आएगी। ए मैं जो देख रहा हूँ कहीं ख्वाब तो नहीं है, ये दोनों मंदिर की सीढ़ियों में बैठ के प्यार कर रहे हैं। ये लोग मंदिर की सीढ़ी को प्यार का मंदिर समझ रहे हैं। कोयले के औलाद, मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ सुनना ही तेरा काम है। ठीक है सुनाओ मेरे बाप। एक काम करो,
एक रुपए का कॉइन लेके 100 नंबर पे डायल करो। डायल करके मंदिर के सीढ़ियों में दो प्रेमी रासलीला रचा रहे हैं, ऐसा कंप्लेन करो। के बाद वहाँ बगल में एक पीपल का पेड़ है, तो क्या करूँ? लड़के के लिए समाधि बना। ज्यादा होशियारी नहीं करने का, जितना बोला उतना ही कर। अरे गुरु, दो प्यार करने वालों को परेशान कर रहे हो, तुम कितने घटिया आदमी हो। ओए, ये वहाँ प्रेम कर रहे हैं और मुझे यहाँ कुछ कुछ हो रहा है। ए, उस तरफ नजर फेर। काहे को दुश्मन निकाल रहे हो भैया? यस, जाओ कहाँ जाने के लिए। मजा लो, तुम्हारा बाप आ रहा है, मजा लो। hey, यहीं से किसी ने कंप्लेंट किया है। ठीक है सर, चलो ढूंढो इसे। ये लोग कहाँ गायब हो गए? यहाँ कुछ छुप के बैठा है। चिल्लाओ मत। कचरे के औलाद कहीं के, पवित्र स्थान पे एक भिखारन के रेप करने की कोशिश की तूने, तुझे शर्म नहीं आती? रेप? और इसका? इसकी कसम खाता हूँ, पैर फिसल कर इसके ऊपर गिर गया। वे, बताना साहब को। ये क्या बोल रहा है साहब? कुछ तो खैरा दे दीजिए साहब। क्या खैरा दूं तेरे को? क्या खैरा? भाग। इडली, क्या गुरु? हमारे शहर में भिखारी कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, हमारा इंडिया इसीलिए सिंगापुर नहीं बन पाया। मुझे खींच के अपनी बाहों में भर लिया। इसे बाहों में भरने के लिए मैं शाहरुख खान हो क्या? और ये काजल है क्या? चिल्लाओ मत, मेरे साथ चलोगी तो पैसे दूंगा, ऐसा कहा। पैसा देने के लिए तू कोई परी है क्या? और मैं कोई अंबानी हूँ क्या? सर, ये सरासर झूठ बोल रही है। तेरी शक्ल से पता चलता है तू एक नंबर का हरामखोर है। तुझे अंदमान की जेल में भेजता हूँ, तब भी तुझे अक्कल आएगा कमीने। मेरे कान तोड़ो ना। बेचारा तो पहले ही से ही आमलेट था, अभी तो मार मार के कीमा क्यों बना रहे हैं पुलिस वाले? तकलीफ पे तकलीफ, जख्म पे जख्म दे रहे हैं, बेचारे की क्या हालत हो गई है भगवान, कुछ तो इसकी मदद। पहले से इसकी दुकान जली हुई है। जग्गा, किसी भी तरह उस ललिता देवी की कहानी खत्म कर दो, उसके बाद चुनाव रुक जाएगा। तो क्या हुआ, बाद में तो होना ही है, क्यों ही ललिता देवी मर जाएगी, हमारी जीत होगी। अरे ये क्या बेहोस मामूली औरत को देखे घबरा रहे कलिंगा जी? वो मामूली औरत नहीं है, बहुत कुछ कर सकती है। एकदम ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला आपने, है ना? हा? देखो जग्गा, ये बात हमारे बीच होनी चाहिए, तुम पैसों की फिक्र मत करो, कितने पैसे चाहिए बोलो, लारी से कुचलना है तो कुचल दो, दंगा फसाद में मारना है तो मार दो, और उसके बाद उसकी लाश को तुम मुझे सौंप दो। तुम करोगे ना? कतई नहीं करूंगा। क्यों? देखो ये जग्गा पैसों के लिए छोटा मोटा काम नहीं करता, एक और बात, औरत पर कभी हाथ नहीं उठाता जग्गा। अरे मर्द की बात कीजिए, चुटकी में आपके कदमों में डाल देगा ये जग्गा। अरे अपना अलग टाइप का इंसान है, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए सोनपरी है, उसे सुपारी दे दीजिए ना। ये सोनपरी कौन है? सोनपरी को नहीं जानते? नहीं जानता। राजा तली, सोनपरी को फोन करके बोलो कि चाकू के साथ यहाँ जल्दी आने के लिए। इस तरह चला के बात बोलो, दीवारों को भी कान होते हैं। हाँ, पागल है क्या? क्या हुआ? मेरे बाप मालिक, मैंने तुमसे भी जो भी बातें की उसे तुम भूल जाओ। देखो साहब, घबराने का नहीं, आप उनकी पॉलिसी है एक बार दो टुकड़ा, इस बार का यहीं पे भूल जाऊंगा। एक है ये तो लोकल है, इसकी आवाज बहुत खराब है। शाम को आना, तुमसे बात करनी है। ओए, क्या ये है? लोकल के साथ जरा प्यार मोहब्बत से पेश आइए। बता, सोनपरी कौन है? सोनपरी है वो मस्त चीज है, उसे क्वार्टर पिला दो, वो कुछ भी करेगी। हमारे होने वाले मुख्यमंत्री की, हमारे होने वाले मुख्यमंत्री की, होने वाले मुख्यमंत्री की, होने वाले मुख्यमंत्री की। कौन है ये नया उम्मीदवार? आप उनके राजा तोले से कंपटीशन करने के लिए आया? गुरु, वो देखो, ये साहूकार और उसके लड़के का काम है। सुन चेले। हाँ गुरु। तेरी अम्मा जो काम कर रही है, ये शौक के लिए या कमाई के लिए? नहीं करेंगे, आपने क्या सोचा, मान जाएंगे? इसे एक कुत्ता भी वोट नहीं देगा। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। उल्टा सीधा मत बोलो। पर क्यों? वो मेरी बड़ी माँ है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत कलरफुल फैमिली है तुम्हारी। भगवान तुम्हें हाथी जैसा शरीर दिया है, अगर अच्छा दिमाग दिया होता तो अफ्रीका में हुकूमत करते। मेरी बड़ी माँ को तुमने फालतू समझ रखा है क्या? फिर उधर देखो, ये सब जितने टीवी चैनल वाले आए हैं, कल हमारी बड़ी अम्मा को टीवी में टेलीकास्ट करेंगे, उसके बाद अम्मा के साथ साथ मैं भी पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो जाऊंगा। यही है हमारी स्कीम।
अरे अच्छा, इससे इसको क्या फायदा होने वाला है? देख, अब मैं तेरे को समझाता हूँ। मेरी बड़ी माँ के अच्छे अच्छे लोगों से अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। न्यूज के जरिए उन लोगों के सामने आ करके वो सीएम बन जाएगी। उसके बाद तुम डिफेंस मिनिस्टर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर। हमारा दुश्मन यहाँ कैसे आ गया? कहीं हमारी बड़ी अम्मा के पास उधार लेने तो नहीं है? चल आ देखते हैं। नमस्ते। तेरी तो ये कितनी बड़ी हस्ती और तूने चप्पल का हार बना रहा है? कैसी औरत है? ब्याज ब्याज लेकर लोगों को लूटने वाली है। सुनो भाइयों, ये ब्याज लेकर लोगों को लूटती है। कईयों को लूटा है पता है? कईयों को माने? अगर ऐसी औरत एमएलए बन जाएगी ना तो हमारा एरिया बर्बाद हो जाएगा। अरे मुंह मत कर अपना, इतने लोग इनके पीछे हैं। तुम लोग भी वोट दोगे ना? नहीं नहीं देंगे। ओ ये राज की बात है। हड़ो 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 हड़ो, तुम सबको देख लूंगी मैं हरामखोरों। आदरणीय भाइयों बहनों, बहनों भाइयों, ऐसे लोग हमारे देश में कहीं हैं जो लोगों को चुनाव लगाने के लिए घूमते रहते हैं। इन्हें कभी वोट मत दीजिए। वोट दिलाऊंगा बोला था और मुझे चप्पलों का हार दिलाया है तुम लोगों ने। गलती हो गई दीदी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, माफ कर दो। तुमने क्या सोचा है, ऐसी बातें करके तुम लोग मुझे फुसला लोगे? नहीं होगा। चेले की किसी ने धुलाई करवाई है क्या? तुम्हारे चेहरे पे जो कालिक है उसे पोंछ सकता हूँ क्या? पैसों का जल्दी से हिसाब दे दो वरना। कौन सा हिसाब किताब? 10 लाख रुपए लेके गए थे ना, वो भूल गए क्या? बहन जी, हमें किसी साहूकार के पास भेजोगे तो वो भी 10 रुपया नहीं लेगा। अरे तुम लोग भी खा खा के हाथ में लग गए हो, बेइज्जती करे हो। अरे तुम भी बेइज्जती करोगे तो मैं भी जान देने वाली हूँ। अबे इतनी संभल के औलाद, तेरी वजह से मेरा दाया और बाया दोनों पैर गया काम से। कैसे? अच्छा ये तो बताओ, कहीं नकली टांग मिलेगी क्या? किस लिए गुरु? अबे इतनी की औलाद, काफी रॉयल फैमिली थी मेरी। क्यों सारे हिंदुस्तान को खाना खिलाते? जब से तू मेरी जिंदगी में आया तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुझे किसने पैदा किया बे कालिए? गुरु फिकर मत करो, तुम ही कह रहे थे ना, जो पहले आबाद होते हैं वो बाद में बर्बाद होते हैं। भगवान सुबह के बाद रात, रात के बाद सुबह करता है। प्रभु दर्शन की समय किसी की। सब लोग नहा धो के फैक्ट्री में आ जाओ, बहुत ऐश कर लिए, अब तैयार होके फैक्ट्री में आ जाओ। देखो इलेक्शन आ गया है, कैसे कैसे सजा के रखा है, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। बाप रे बाप। लगता है मैंने इस औरत को पहले कहीं देखा है। ये औरत तो इलेक्शन में खड़ी है, कहीं देखा होगा, इससे हमें क्या लेना देना। चलो चलते हैं। देखा लेकिन चलो, कहां चलो। देखा याद नहीं आ रहा। ए ये क्या हो गया? कुछ नहीं। मिस्टर एंड मिसेस गुरखा, मुबारक हो, तुम लोग 100 साल तक जियो। माँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? क्यों माँ, भगवान के दर्शन कर लिए ना? हाँ बेटा कर लिए। इस तरह खामोश क्यों बैठी है, आखिर क्या बात है? कुछ नहीं है बेटा, यहाँ वहाँ घूम के आई हूँ ना। हाँ। इसलिए थोड़ा थक गई हूँ। इसलिए मारे जी बाहर बैठ के पैक पे पैक लगा रहे हैं। चलो खाना खाते हैं। हाँ आप उनका पेट फूल है माँ। माँ एक बात जानती है क्या, अपना वो गोरखा है ना, उसके एक लड़की से चक्कर चल रहा था, आज दोनों की शादी हो गई, उसी की पार्टी से आ रहा हूँ मैं। अरे खा पी के बहुत ऐश किया माँ, बहुत ऐश किया। मन से एक बात बता दे, गलती से भी मेरे घर आ गए ना, मेरी माँ से पिट जाओगे तो। ये क्या जगह, इस तरह क्यों कह रहे हो? अरे तुम्हें पता है अगर शादी जो कर ली उसने? करने दो, जो कोई भी हो उसे खुशी से अपनी जिंदगी जीने दो। वाह माँ हो तो तेरी जैसी, किसी से खफा नहीं और हर एक भला चाहती हो तुम। माँ देखो माँ, सच बोलो, मुझे तुम्हारी आदत की 1% भी नहीं है माँ। मुझे शक होता है माँ, क्या सचमुच मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ क्या? अरे रे मम्मी, व्हाट वाई क्राई? मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटे। लाल बाग चलना है। मैं हाथ जोड़ती हूँ बेटे, मैं जो कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश कर। कहो।
राजा धुली के खिलाफ जो इलेक्शन में खड़ी है, हाँ? क्या तू उसे जानता है? जानता हूँ क्या, हम दोनों सांप नेवले की तरह है। दो बार आप उनसे टकरा चुकी है, तीसरी बार टकरा गई ना तो उसे टपका के रख दूंगा। बेटी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उस औरत के बारे में ऐसा मत बोलो। अरे सुनो माँ, तुम उसे नहीं जानती हो, बहुत ही बेरहम औरत है, आप उनसे हमेशा पंगा लेती रहती है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, तुम ललिता माँ से पंगा मत मोल लेना, वो बहुत ही अच्छी औरत है। देखो तुम आज के बाद इलेक्शन विलेक्शन के काम में नहीं जाओगे। हाँ ठीक है, लाइफ में पहली बार नसीहत दे रही है मुझे, मैं भी इनकार नहीं करूँगा, लेकिन एक बार तो जाने दो ना माँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ से प्यार है तो नहीं जाओगे। सिर्फ एक बार माँ, अगर गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मुझे कुछ नहीं सुनना। ए, दोनों आपस में क्या कुसर पुसर कर रहे हो? अरे जग्गा, काम का क्यों टेंशन लेते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हिम्मत से जवाब दो उसे। ए, ए, सुनो सुनो, अगर दारू बचती नहीं है तो किसी कोने में जाके सो जाओ। मार रहे पड़ते हैं, पी क्या के नाटक करता है, अभी तेरा नशा उतारती हूँ, ले। अरे माँ ये क्या कर, ए, मैंने बोल दिया ना तुझे, तू इलेक्शन के काम में नहीं जाएगा, सब मेरी किस्मत है। तुम घर जावे। पीलो। कहिए बाबूजी, क्या बोल रहे थे वहाँ पे? वो माँ है क्या? वो तो चुड़ैल है। बंद कीजिए, बात क्या है ये बताइए। अब क्या बताऊँ बेटे, जिस मुँह से पेरे ना उसी मुँह से बोलो। अरे जगह, दरअसल बात ये है कि दिमाग खराब मत करो, बात क्या है बताओ जल्दी। बेटे मेरे प्यारे राजा बेटे, जो मेरा बेटा है, नहीं तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है। बाबूजी अब आगे मुझसे बाबूजी बात क्या बताओ ना। ए देख ललिता बहन, देख लिया, यही तुम्हारा बेटा है जिसको मैंने पाल पोस के इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया, तुम नहीं जानते, वो भी नहीं जानता है। ललिता बहन, ललिता बहन देखो तुम्हारा बेटा मुझे, तुम नहीं जानती मैंने उसको कितने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया, ये सच्चाई तुम्हें कभी मालूम नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं इसको मरते रहते अपने साथ। बता दिया, सब कुछ बता दिया मैंने इसको, तुम उसकी क्या लगती हो, मैं उसका क्या लगता हूँ, ललिता बहन उसकी क्या लगती, सब कुछ बता दिया मैंने। अरे रे, तेरी मती मारी गई क्या? जग्गा को देखा बेटा? अरे आंटी अंदर पी रहा है। जाने में तुम्हें कुछ कह दिया बोलकर तो यहाँ आके बैठ गया, मुझे मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे बेटे,
देखो माँ, अगर इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करेगी ना तो मैं घर से चला जाऊंगा। अरे माँ, अरे माँ, ऐसी कौन सी गलती की तूने? हाँ देखो माँ, तूने मुझे सारी दुनिया का प्यार दिया मैं जानता हूँ, और ऐसा प्यार मुझे कोई नहीं देगा जानता हूँ। हाँ अरे माँ, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, तू खुद भूखा रहकर मुझे खिलाती आई हो। माँ तुमसे बड़ी देवी दुनिया में नहीं है। देखो माँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ अरे अचानक कोई आके मुझसे कहे कि ये तेरी माँ नहीं है तो मैं भरोसा करूंगा क्या? अरे वो ऊपर वाला भी आ जाए ना, मैं भरोसा नहीं करूंगा। कह दो माँ कि ये सब झूठ है। यही सच है बेटा, यही सच है, तुम्हारी कसम। गोली मारो कसम को, मुझे ऐसे झूठी कसम पर भरोसा नहीं है माँ। अरे बेटा, ललिता माँ की परिस्थिति ऐसी थी। माँ ये फिल्मी डायलॉग मेरे सामने मत कहना। अरे देखो माँ, तुम्हारी कसम मैं किसी और को माँ कह के पुकारूंगा नहीं, और तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। अरे आज तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। अरे जग्गा, तू उस देवी के बारे में कुछ नहीं जानता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। देखो बेटा, तुम मेरे बेटे हो ना, हाँ मेरी बात मानो। देखो माँ, जब से होश संभाला हूँ तब से मैं तुम्हें ही माँ के रूप में देख रहा हूँ। तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कैसे 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 तकलीफ झेल कर तुम्हें पाला है, ये मैं ही जानती हूँ, तुम नहीं समझोगे। तुम काफी समझदार हो ना बेटे, तुम ऐसा उनके साथ नहीं करोगे। अरे वो बेचारी भी तुम्हारी माँ जैसी ही है ना। हाँ देखो, इस शराब की कसम खा के कहता हूँ मैं, जिस दिन तुम मुझसे कहोगे कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जाऊंगा। अगर आइंदा ऐसा कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी बेटे, मेरी कसम खा, तू ऐसा नहीं कहेगा, मेरी कसम खा, मेरी कसम खा। नहीं, 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 जाओ माँ, जाओ, मैं आता हूँ, जाओ, तुम जाओ ना माँ, मैं घर आऊँगा, तुम जाओ, जाओ ना, आ जाओ। और बहनों, हेलो जग्गा, अभी तक सो रहे हो? देख ही चुके होंगे। हाँ बोलो, तुम जल्दी उठो, तुमसे एक जरूरी काम है, फौरन आ जाओ। क्या काम है? सरकार ने कहा, मैंने कहा ना एक जरूरी बात करनी है। तुम पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इलेक्शन में काम नहीं करूंगा। नहीं, एक बार आ जा, सामने वाले का खेल खत्म होने को है। क्या बोल रहे हो तुम? हमारे मंत्री जी कह रहे थे एक बार उस औरत से मिला दे मुझे, कह के मेरे पीछे पड़ा हुआ है वो, और सोन परी को सुपारी देकर कहा है कि उस औरत को दुनिया से उठा दो हमेशा के लिए। कैसा लगा आइडिया? उस औरत को तुम लोग कुछ नहीं करोगे, मैं 10 मिनट के अंदर आता हूँ। हेलो बोलो, आपका भला। अरे ये तो धोखा दे गया, सब अपनी आंखें बंद कर लो। और जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। हमें आप सिर्फ एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका दीजिए, हम ये सब करके दिखाएंगे। नमस्ते। ललिता मैडम फिनिश हो गई, खुशी मनाइए। तुम सच बोल रहे हैं क्या? का नाश हो जाना चाहिए, उसका तो बेड़ा एकदम बेकार हो जाना चाहिए। ये कौन है जिसने ऐसा कर दिया? हे भगवान, भगवान उनकी रंग। हमारी पालनहार और हमें अन्न देने वाली राजमाता और हमें पाप से बढ़कर प्यार करने वाली राजमाता को हमसे मत छीनो भगवान। तुम्हें चाहिए तो हमारी जान ले लो भगवान, ऐसा अन्न।
आखिर जाकर राजा तूली ने ललिता बहन का ही साथ दिया ना। ललिता बहन अभी तक जिंदा है। नहीं बचेगी। ये करने की जरूरत क्या थी? तो फिर क्या करूं मैं? उसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। मार दूंगा, इस दुनिया से मिटा के रख दूंगा मैं उसे। ये कुर्सी पाने के लिए मैंने कितनी तकलीफ उठाई है पता तुझे? अगर वो बच गई ना तो मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरा सब कुछ मिटा के रख देगी। मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ मंत्री जी। नमस्ते मंत्री जी, मैं सुंदर सिंह बोल रहा हूँ। आप? तू अपने लड़के को चुप रहने का बोल, वरना जमान काट के फेंक दूंगा। किसी जी वो सांस भी नहीं लेगा भाई। हाँ लगता है कोई आ गया, फिर बात करता हूँ। जग्गा तू आ गया? जानता हूँ तूने बहुत अच्छा काम किया उस औरत को अस्पताल पहुंचाकर। सारे वोट हमी को मिलेंगे अब, हमी को। ओहो वो तो कमबख्त पागल है, वाकई पागल है। उसके पास तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी है। गुरु तू फिक्र मत कर, उस केस को मैं देख लूंगा। उस दरिद्र को आज के बाद उस औरत के खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं कहोगे तुम। मेरी बात सुनो, तुम उस औरत के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ोगे, आज ही अपना नाम वापस लोगे। एमएलए के सही हकदार वो औरत ही है। भाषण तैयार रखो, मैं टीवी वालों को बुलाता हूँ, तुम अपना नाम वापस ले लेना। क्या समझता है तू? कहता है तो मैं मान लूंगा। लाखों रुपए खर्च किए मैंने। जो पैसे मैंने तुम पर खर्च किए उनकी भरपाई कौन करेगा? वो नुकसान कौन देगा? मैं कुछ नहीं जानता, ललिता मैडम के खिलाफ मैं कोई काम नहीं करूंगा। हाँ तू नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही। तुझे शर्म नहीं आई मेरी नमक खराबी करते हुए? तू कुत्ते लाना था तुझे से आदमी पर। फायदा मारो, छोड़ दो इन्हें। मैंने एक बार तुमसे कह दिया मैं उसके खिलाफ काम नहीं कर सकता। जाओ तुम लोग, क्या तमाशा लगा रखा है? निकलो। तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तू इलेक्शन में काम नहीं करेगा तो क्या मैं मंत्री नहीं बनूंगा? मैं जीत के दिखाऊंगा तेरे बगैर भी इलेक्शन में। देख तू देख लेना। नहीं नहीं राजा तोली, अपुन जो बोलता करके दिखाता, अपुन जो पंगा मत लेता साला मर जाएगा रे तो। मेरी किस्मत अच्छी है, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तू जाके उखाड़ दे जो उखाड़ना है, जा जा। ए राजा तोली, अपुन तेरे मुंह पे काली पोत के रहेगा रे। ए सगटी इसे समझाना वरना मर जाएगा साला। पोजीशन वालों के साथ मिल गया है, ढोकला कहीं का। सुनो साहब जी, वो ऐसा इंसान नहीं है, गुस्से में उसने कुछ बोल दिया, उसका बुरा मत मानना। ऐसा कुछ नहीं है, इस भिखारी ने मुझसे बहुत पैसे लूटे हैं, वक्त आने तो देख लूंगा। हाँ अरे 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 अरे, ये क्या राजा तुली, मैं खुद फोन करने वाला था तुमने कर दिया। तो बड़ा ही चालू आदमी। अरे कृष्णा क्या बात है? मान गए तुझे, जब उसने तेरा साथ छोड़ दिया तब उसको तूने इस दुनिया से उठाने की कोशिश कर ली। दरअसल मैं उसे टपकाने वाला था। तो फिर हम मिलकर एक हो जाते हैं। ओ अनाथ बच्चों को पाल रही, तुम्हें कुछ पता है क्या? अरे मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा सुनो, तुम यहाँ आओ, बैठेंगे, बात करेंगे और गवर्नमेंट बनते ही तुम्हें मंत्री भी बना देंगे। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? अगर ये बात है तो मेरे भाइयों को पहले छुड़ाओ। वो तो मैं छुड़ा दूंगा, लेकिन छुड़ाने के बाद तुम और तुम्हारे भाई मेरे साथ ही रहेंगे। बोलो मंजूर है? जवाब दो ओके। रख रहा हूँ। तुम्हारी और मेरी बेटी की जोड़ी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है। आप चुप रहने के लिए क्या लेंगे आप? आप तो बहुत मतलब परस इंसान है, काम निकलने के बाद पहचानते नहीं। अरे अरे जमाई राजा, वो तो इलेक्शन का वक्त है, इसीलिए मेरी बेटी की शादी सिर्फ तुमसे ही होगी। हाँ कल सुबह मैं सबको लेकर तुम्हारे घर आता हूँ, मेरी बेटी की शादी सिर्फ तुमसे ही होगी। हाँ हाँ एक काम करो, उसके साथ तुम्हारी डेटिंग फिक्स कर दूँ। उसके बारे में आप चिंता मत कीजिएगा, बाकी सब मैं देख लूंगा। बधाई हो, बधाई हो। किससे पूछ के तुमने शादी देखी? किससे पूछने का, तेरे को पैदा करते वक्त किससे पूछा था? किसी को नहीं पूछा था ना। मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, तुम शादी करो या नहीं करो, लेकिन तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूँगा। अपनी बेटी को बेचना चाहते हो, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो? देखिए साहब, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी शादी करा दीजिए आप। ये तेरी बेटी है या फिर मेरी बेटी है बता? मेरे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है तू, मुझ पे गुर्राएगा तो गोली मार दूंगा। निकल यहाँ से, निकल, चल हट। ए होशियार रहना, इलेक्शन मेरे सर पे आ गए, ये मत भूलना।
आप लोग पेशेंट को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? पेशेंट को आराम करने दीजिए। चलिए बाहर जाइए। चलिए बाहर जाइए। प्लीज जरा भी चलिए। प्लीज बाहर जाइए। दिमाग खराब हो गया है। जगह को बताती हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे भरोसे आई हूँ, वो सब मैं नहीं जानती। पहले मुझे अपने घर लेके चलो। देखो मंजू, तुम अपने घर वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जगह मजाक मत करो। मैं सीरियस होके बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं पागल हो गया हूँ। जब तक मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता तब तक कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वैसे शादी 8 तारीख की हुई है ना, तब देखा जाएगा। इतने केयरलेस कभी नहीं थे, आज तुम्हें क्या हो गया है? केयरलेस नहीं मंजू, कंफ्यूजन। देखो मंजू, तुम्हारी डैडी में इतनी हिम्मत नहीं कि हम दोनों की शादी कराएं। चुपचाप घर चले जाओ। ए जग्गी, अगर मैं घर गई ना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कभी मेरी आंखों से एक बूंद आंसू तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और आज मेरी एंगेजमेंट की बात सुन के भी चुप बैठे हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? क्या तुम्हें पसंद नहीं? क्या करो मंजू, ये मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है, और उसका लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता है मंजू। खुद खुदा भी नहीं मिटा सकता, वो भी मजबूर हैं। वो तो मेन स्विच है, और हम छोटे छोटे बल्ब। वो दिमाग के फ्यूज को निकाल कर अपने हाथ में रख लेता है, और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। मंजू, मुझे कुछ करने से पहले उस माँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। जगह प्लीज, हम दोनों की जिंदगी में राजनीति लाने की कोशिश मत करो। देखो जगह, मेरे गले में कोई मंगलसूत्र बांधेगा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आगे तुम सोच लेना। चल यहाँ से। मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएगी? मैं तेरा बाप राजा तुली कह रहा हूँ। कुछ चल यहाँ से। कुछ कहो ना जगह, जगह कुछ कहो, कुछ कहते क्यों नहीं? जगह, ये जगह देखता हूँ तू कैसे जाएगी इसके साथ। चल जग्गा, चल चलो, चल जग्गा, चल चल, अपनी मर्जी की मालकिन हो गई है, आपकी बात नहीं सुनती। चल अंदर, चल अंदर, चल चल चल, बैठ अंदर। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी डैडी, मुझे जाने दो। अरे जाएगी कैसे नहीं तू, तेरे तो चूहे तक जाएंगे। चल बैठ, घुस अंदर, बैठ। ए जग्गा, 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 ये क्या दोपहर हो गया तो अभी तक सो रहा है? देख बाहर तुझसे मिलने के लिए कौन आया है। कौन आया? तेरी माँ आई है। माँ कैसी बातें करती हो तुम भी? हाँ, जो मुंह में आया भग देती हो, हमेशा तकलीफ देती रहती हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा, कौन सा मुंह लेके मैं उसके सामने जाऊंगा बोलो? और कैसे माँ कहूँ मैं? देखो तुम उसे कहना कि मैं घर पे नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। चुप कर, ये क्या बोल रहा है? माँ आखिर माँ होती है, बच्चों की गलतियों को कभी अपने दिल में नहीं रखती। जग्गा, वो तुमसे मिलने के लिए आई है, ऐसी बात मत करना बेटे। ललिता बहन, बेटे, सामने देखकर मेरे दिल को पता है जगह बहुत खुशी हो रही है। तुमसे फिर कभी मिलूंगी, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा। जया बहन, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। नहीं ललिता बहन, तुम्हारी वजह से
मुझ जैसी पांच औरत को माँ बनने का सौभाग्य मिला, ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं चुका सकती। अरे माँ मेरी बात सुनो, पुरानी बातों को भूल जाओ, एक नए सिरे से, एक नए सिरे से हम लोग जिंदगी जिएंगे, हैं? ठीक है ना माँ? यही मेरी ख्वाहिश है माँ, हैं? ख्वाहिश? तुम्हारी भी यही ख्वाहिश है ना जग्गा बेटे? मुझे इसकी उम्मीद तुमसे ज्यादा है, वो बड़ा कष्ट का समय था। कष्ट को भूल जाओ माँ, ये है ना मदर इंडिया, रोज 8-10 लोगों को खाना खिला दिए तो तुम्हें नहीं खिलाएगी क्या? हैं? क्यों माँ? हाँ बेटा, मैं जिस आग की बात कर रही हूँ वो पेट की आग बुझाने के लिए नहीं, वर्षों से जो आग मेरे सीने में दहक रही है उसके बारे में, जिसने अपनी पत्नी को और एक नन्हे बच्चे को सड़क पर लाकर छोड़ दिया, उसी के खिलाफ। ये लीजिए साहब। ये ले 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 ले। आहा। मालिक, बड़े-बड़े लोग आपके इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जाओ मैं आता हूँ। ठीक है बेटा, आजा आजा। तुम भी लड्डू जैसी हो। हाँ। आइए साहब। अच्छा बेटा, बेटे का क्या नाम रखा है? इस गांव में सबसे ज्यादा नाम किसका है? और किसका? तुम्हारे पिता जगदीश जी का है। ये भी उन्हीं की तरह बने, इसलिए उनका भी यही नाम होना चाहिए। जाके सबको मिटा के लाओ। तुम भी हमारी तरह एमएलए बनोगे? जगदीश भाई, इलेक्शन में कंपटीशन की वजह से आपके खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा है। इस बार हम सब मिलकर फैसला किया है कि पास के इलाके में से आप ही को ही जिताएंगे। साहब जी नमस्ते। नमस्ते साहब जी। लीजिए। ये सब तो विधि का विधान है, और जो कुछ करता है अच्छे के लिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस इलाके को सुधारने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, और कोई नहीं करता इतना। ये सब उसकी मर्जी है, हम लोग भला क्या कर सकते। बाबू जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी, मेरे साथ चलिए। माफ कीजिए। ठीक है। बाबू जी, मैं बहुत खुश हूँ आप अपने नाती के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा? जो पैसा आता है वो खर्च हो जाता है, कुछ भी हो उसके भविष्य के बारे सोचिए। जब वो बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ तो करना होगा ना हमें। मुझे क्या करना है ये बताओ। वैसे आप चाहे तो मुझे भी एमएलए बना सकते हैं बाबूजी, और आपकी बेटी एक एमएलए की पत्नी कहलाएगी, और मुझे भी जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ, आप और कितने दिन जिएंगे? छे, ये मैंने क्या कहा? अरे अपनी बकवास बंद कर। मैं जानता हूँ वो कितना बड़ा जनसेवक है। तूने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का बहाना करके वहाँ की जनता की जमीन हड़प ली। इस बात को उस इलाके के सारे लोग जानते हैं। अगर मैंने तुझे एमएलए बना दिया तो तू तो पूरी स्टेट को ही खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुनो, तुम मेरे दामाद हो, जनता इसी वजह से खामोश है, वरना न जाने कब का तुम्हें धक्के मार कर निकाल देती। अरे बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। कलिंगा खामोश रहो, घर में पार्टी चल रही है, वहाँ जाकर मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम देखो। चला कलिंगा नेता बन। बरसों की कोशिश रंग लाई है। तो एक तीर दो निशाना। अब मैं बनूंगा एमएलए। कहीं भाभी को खबर हो गई तो? वो समझती है कि एक काम डकैतों का है। जब तक समझती रहेगी वो जिंदा रहेगी, नहीं तो हम उसका भी। सुंदर सिंह, इस बात की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए, समझ गया ना? मुझे लगता है वो सब कुछ जान चुकी है।
अगर हुक्म दे तो मैं इसे खलास कर दूं। फिर सोच क्यों रहे हो? दोनों को खत्म कर दो। बहन सीता, तुम्हारे पति शिवाजी को बुलाओ, हमारी जान खतरे में है। वो नहीं है दीदी, ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं दीदी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है। क्या हुआ बेटा? बहन इसका नाम क्या है? जग्गा। अरे जग्गा बेटा, अच्छे बच्चे नहीं रोते। मैं हूँ ना, तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए बेटा? मिठाई चाहिए, मिठाई चाहिए बेटा। क्या हो गया? अरे कंबल क्यों उड़ा रही हो? क्या हो गया? अरे बच्चे को छिपा क्यों रही हो? क्या हो गया है? बहन जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को संभालो। जाता बहन जी, बहन जी जरा मेरे बच्चे को संभाल लो। मैं क्यों, किस लिए? अगर वे लोग यहाँ तक आ गए तो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। हाँ मार डालेंगे? अरे बाप रे, मैं अभी नहीं बता सकती, आप बच्चे को संभाल लो, मैं 5 मिनट में आती हूँ, आप बच्चे को संभालिए। अरे बहन बच्चे को मैं देख लूंगी, तुम जाओ। अगर हम लोग कहीं बिछड़ भी गए तो शिवपुर गेस्ट हाउस में तुम्हें मिलूंगी। क्या देख रहे? देख नहीं रहा बच्चे को दूध पिला रही हो? शर्म नहीं आती? तो पिलाओ ना, किसने का मत पिलाओ। अरे चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। क्या बहन, तुम क्या कह रही हो? हाँ शिवाजी राव, वो राक्षस बन चुका है। मेहरबानी करके मुझे एक बार सीएम से मिला दो। ठीक है बहन, मैं अपॉइंटमेंट लेके आता हूँ, तुम यही इंतजार करो। पता नहीं आजकल ये सब क्या हो रहा है, राजनीति सारी खराब हो गई है। सुनिए देवी। अरे बहन जी, हम तुम्हें देवी समान समझते थे। मैं एक सच्चाई बयान करना चाहता हूँ, आजकल महल में रहने वालों की भी नियत बिगड़ने में देर नहीं लगती, इतना याद रखना। आप क्या कह रहे हैं? वहाँ लाशों की ढेर लगी हुई है और कलिंग अपने गम में डूबा हुआ है, और तुम ही अपने यार के साथ गुलछर उड़ा रही है। शिवाजी राव ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? सच्चाई क्या है ये तुम इन्हें बता दो। बको, जो भी सच्चाई है बको, इन गाँव वालों के सामने बको। मैं भी मार दो ना, इतनी खूबसूरत औरत जब मुझे अपने घर पे बार बार बुलाती है तो मैं नहीं जाऊंगा क्या? वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझे अपने घर पे बुलाया और मैं भी चला गया। हे, क्या कहा तूने? ललिता सुबान बंद कर, बंद कर अपनी नौटंकी। जो नहीं करना था वो सब करके खुद को सती सावित्री समझती हो? तुझ जैसी औरत का इस गाँव में जिंदा रहना हमारे गाँव के लिए कलंक है। रुक जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। अरे मैं उसे अभी प्यार करता हूँ, आखिर वो मेरी बीवी है, तुम लोग जानते हो ना। जो हो गया भूल जाओ, मैंने उसे माफ कर दिया, मैंने उसे माफ कर दिया। आओ ललिता। मेरी जान भी जाए तो परवाह नहीं, पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ललिता मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे अपना बेटा दे दो, मुझे मैं चला जाऊंगा। इतने लोगों के सामने शराफत का ढोंग रचाकर बच्चे को मांग रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? बच्चे को जहाँ होना चाहिए वही है। ये औरत ऐसे नहीं मानेगी, गांव के सभी लोगों को बुलवा के इसके ऊपर पत्थर फेंकवाओ। नहीं सुंदर सिंह, इसके पापों की सजा इसे भगवान देगा, अवश्य भगवान देगा। चलो हे, रुक जाओ। पापी गद्दार, क्या कहा तूने? मैं गद्दार नहीं हूँ और ना ही पापी हूँ। तुम नहीं जानती हो मैं भी यहाँ बरसों से काम करते आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे क्या दिया बताओ? सिर्फ 5,000 रुपये। लेकिन तुम्हारे पति ने एक झूठ बोलने के लिए मुझे 1,00,000 रुपये दिए, पता? उससे मैं अपनी बहन की शादी करा के भेजूंगा और जिंदगी में सेटल हो जाऊंगा। तुमने मेरे विश्वास का खून किया है। खून अभी नहीं किया, करने वाला हूँ, करने वाला हूँ मैं तुम्हारा खून।
बाबा। शोभा, शोभा, ये सब क्या हो गया? शोभा, किसे क्या? शोभा, वहाँ देखो ललिता बहन, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया और भगवान ने उसकी सजा मुझे दे दी बहन, दे दी। मैं तुम्हें जिंदा जलाना चाहता था, लेकिन अब मेरी बहन की चिता को मुझे ही आग देने पड़ेगी। ललिता बहन, तुम यहाँ से चली जाओ, दूर चली जाओ। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैंने तुझे नहीं ढूंढा, एक एक कोना छान मारा मैंने। 100-150 बच्चों को पालती हूँ मैं, मैंने उनमें भी तुझे ढूंढने की कोशिश की, पर तू कहीं नहीं मिला। आज मैंने नाम तो बहुत कमा लिया इसी काम के बदौलत, जिस राजनीति के लिए उस कमीने ने मेरी जिंदगी के चिथड़े चिथड़े कर दिए, उसके कैरियर को तबाह करने के लिए ही मैं भी इलेक्शन में खड़ी हो गई। नहीं बेटा जग्गा, मुझे रोको मत माँ, तुम्हारे साथ जुर्म करने वाले उस कुत्ते कमीने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी मोटी मोटी काट के कुत्तों को खिलाऊंगा। नहीं छोड़ो बेटा, उसने मुझे 100 लोगों के सामने जलील किया था बेटे, लेकिन मैं उसे करोड़ों लोगों के सामने नंगा करके छोड़ूंगी, सारी दुनिया के सामने उसे सबक सिखाऊंगी मैं, तब तक तुम उसे कुछ नहीं करोगे, आगे तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कितने वर्षों के बाद तुम मुझे मिले हो, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें नहीं खो सकती, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरी कसम खाओ, खाओ ना, खाओ। क्यों डैडी, मुझे नहीं पसंद कहने के बाद भी मेरी शादी करवाना चाहते हो? देखो बेटी, तेरी मर्जी नहीं चलेगी, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी आना बेटी, आओ बाहर आओ, जल्दी आओ। देखो मंजू, मुझे गुस्सा मत दिला, तू मेरी लाडली बेटी है, देख अगर तू नहीं आई ना तो मैं इन सबको जहर खिला दूंगा, खुद भी जहर खिला के मर जाऊंगा। हट, हट, तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, अगर तू नहीं आई तो मैं खुद भी जहर खा लूंगा और इन सबको भी जहर खिला दूंगा, सोच ले। देखो बेटी, इस वक्त मेरा कहना मान ले, इसमें तुम्हारी भलाई है, जो भी कुछ कह रहा हूँ वो तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ मेरे बेटे। बैठो बेटे, बैठो, तुम यहीं पर बैठो। मंत्री जी, मंत्री जी, मेरी बेटी आपके सामने आने में शर्माती है। ठीक है, रसम पूरी करो। कलिंगा जी की, मंत्री के, कलिंगा जी की, स्वास्थ्य मंत्री के, कलिंगा जी की, स्वास्थ्य मंत्री के, आशीर्वाद ले लो भाई, स्वास्थ्य मंत्री के, स्वास्थ्य मंत्री के, कलिंगा जी की, वहां लोगों का भी मंत्री के आपको आगे पास देना होगा। मंत्री जी ने अभी तक खाना नहीं खाया। राजा तुली, जनता हमारे लिए भगवान है। अरे जल्दी गाड़ी लेके आओ, सिक्योरिटी। नहीं नहीं, मैं पैदल ही आने जाऊंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? उत्तरपुर की उन्नति के लिए कलिंगा जी की, कलिंगा जी की, कलिंगा जी की। क्यों ललिता बहन, 4 लोगों को हमारे खिलाफ अपने में मिलाकर आवाज उठाओगी तो क्या मंत्री बन जाओगी तुम? मुश्किल है, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। पब्लिक, गुंडा, चाकू, तलवार, ताकत, सब कुछ साथ में लेके चलने वाले हैं। लेकिन मेरे साथ जो हथियार है वो तेरी सेना को धूल चटाने के लिए काफी है। अन्नमा इलाके का मतदान बड़ी जोरों से शुरू हो चुका है, बड़ा मुकाबला हो रहा है, इस इलाके के लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वोट अभी तक नहीं किया हूँ गुरु, वोट अभी तक नहीं किया हूँ गुरु, वोट। 1, 2, 3, 4 अच्छा तो मैं अभी वोट डाल के आता हूँ। थैंक यू। वोट ये क्या है गुरु?
तुमने पैसे दिए हैं तो वोट इसी को ही दूंगा गुरु। देखो इस कुर्सी को वोट देना, भूलना ना है। ललिता माँ का वोट देना, किसी और का वोट देना, समझ गया ना? जाओ जल्दी लेके जाओ। ठीक है गुरु। जीतेगा भाई जीतेगा, राजा तुली जीतेगा, जीतेगी भाई जीतेगी, ललिता बहन जी जीतेगी जीतेगी। ललिता बहन की सरकार, बाकी सब है बेकार। ललिता बहन को वोट डालो, डालो जी। किसको वोट देगा? बहन जी को। पहले वोट बाद में नोट, नहीं तो शाम को तेरी मार मार के कीमा बना दूंगा मैं। 100% बहन जी को वोट दो, शाम को नोट लो। बहन जी को वोट दो, शाम को नोट लो। बहन जी को वोट दो, शाम को। पब्लिक है अपाहिज, मेरी यही है ख्वाहिश। ये इस तरह क्यों सोया हुआ है? क्या करो, वोट डाले नहीं गए क्या? देखो हमारे देश की क्या हालत है, जनता के प्रतिनिधि को चुनने के वक्त आ गया तो ये दारू पी के टुन पड़े। यहाँ दारू पी के हुकूमत करेंगे तो देश का भविष्य अंधेरे में समा जाएगा। इनके भरोसे काफी पैसे लुटाने वाले प्रत्याशी ये समझते हैं कि वो इस देश का मंत्री बनकर इस देश का भला करेंगे। जब कार्यकर्ता पी के लुढ़क गए हैं तो मंत्री कैसे होगा? अन्नामा इलाके का मतदान बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से आज समाप्त हो गया। मंत्री जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अगर आपका हाथ मेरे सर पे हो तो कुछ भी हो सकता है। मेरे हमारी पार्टी के लिए काफी पैसे लुटा है, सब आपकी दया है। ठीक है ठीक है, बनी रहनी चाहिए हम पर। मंजू ए मंजू रुक जाओ मंजू नाटक नहीं, बड़ों के सामने अपनी इज्जत मत गवाना। ए, मारो साले को। तेरी तो रुक जाओ, ये सब क्या है, क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पर? सर ये गुंडा है सर। नमस्ते साहब। कौन हो बेटा तुम, आखिर ये सब क्या है? गुंडा है, सॉरी सर, बात इतनी सी है। आप इस राज्य के सीएम है सर, आप हमसे बड़े हैं, हमारे साथ इंसाफ कीजिए सर। मैं इस लड़की को बचपन से ही प्यार करते आ रहा हूँ सर, ये बात ये राजा होली भी जानते हैं, उसके पूरा खानदान भी जानता है। आपको पता है इसकी शादी किसी और के साथ जबरदस्ती करा रहे हैं, ये गलत है ना साहब? ये बिल्कुल गलत है साहब। अगर उस लड़के को ये चाहती है तो फिर उसे छोड़ कर ये मेरे पास क्यों आई, आप ही बताइए ना साहब। साहब आप उससे क्या पूछ रहे हैं, इस लड़की से पूछिए ना आप। सर ये झूठ बोल रहा, आप उसकी बात मत सुनिए सर। देखो बेटी ये सब सच है क्या? जी हाँ, मेरे ना कहने के बावजूद भी ये मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से कराना चाहता है ये। अरे उससे क्या पूछ रहे हो? चुप रहो, एक हेल्थ मिनिस्टर होकर इस तरह की गंदी राजनीति करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों की निजी जिंदगी में तुम राजनीति लेकर आए हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस लड़की की शादी इस लड़के से करा दो, नहीं राजनीति में तुम्हारी कोई जगह है, उस जगह को सम्मान दो। सर जी ये झूठ बोल रहा है। गुरु मेरे बाप, तुम हमेशा मुझे गलत समझते आ रहे हो, पूरी बात नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ, चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो। अरे चलिए चलिए, हाँ एक मिनट चलिए ना, चलिए हाँ चलिए, अरे चलिए मेरे साथ, टेंशन आने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं जो कह रहा हूँ उसे कान खोल कर सुन ले तू। देख कलिंगा, मैं जानता कि तूने कितनों का खून किया और कितनों की जिंदगी बर्बाद की है। रिजल्ट आने के बाद तुम्हें मैं अपने हाथ से मारूंगा कलिंगा। तू ये सोच रहा कि जग्गी तुझे क्यों मारना चाहता है? ध्यान से सुनो, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी चिता को उसका बेटा ही आग दे, और मैं भी वही करने वाला हूँ। तुझे मार के तेरी चिता को आग लगाऊंगा मैं। नहीं समझे कलिंगा, तूने जिसकी जिंदगी तबाह की है उसी ललिता का बेटा हूं मैं। शौक नहीं होने का, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भाइयों और बहनों, बड़े जोर शोर से इस उपचुनाव का परिणाम अब आपके सामने आने वाला है। अब तक चली तीसरी राउंड की मतगणना में ललिता देवी आगे चल रही हैं। उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी राजा तुली पीछे चल रहे हैं। ये लगभग निश्चित हो चुका है कि राजा तुली अपने इलाके के इस चुनाव से अपनी पकड़ खो चुके हैं।
अरे बहन, मैं कलिंगा जी हूँ, कलिंगा। विधानसभा का उपचुनाव श्रीमती ललिता देवी भारी मतों से जीत चुकी हैं। भगवान, ये कैसा न्याय है। तो जीतना ही था। माँ, माँ, माँ क्या हो गया? माँ, माँ क्या हो गया तुम्हें? माँ, क्या हो गया माँ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो। वो लोग धमकी देकर गए कि तुम्हारी माँ को और बाकी सभी सब लोगों को खत्म कर देंगे। जग्गा, जग्गा, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी माँ के पास जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ। हो श्रीमती ललिता देवी जी। कंग्रेचुलेशन, भारी बहुमत से जीत गई हो। हाँ, ये भी तुम्हारी पहली खुशी है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं ना। अरे धत, क्यों घबरा रही हो तुम? अरे ललिता जी, मैं हूं ना। पार्टी अलग क्यों ना हो, लेकिन सरकार एक ही है, हम दोनों मिलकर जनता की सेवा करेंगे। हा? बैठिए बैठिए, तुम ही बैठो। ललिता, ओ श्रीमती ललिता देवी, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम। जिन अनाथ बच्चों को तुम पाल रही हो ना, वो सब फिलहाल मेरे कब्जे में है। तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए हर एक बच्चे के हाथ में गुलदस्ता दे के भेजा हूँ। उन गुलदस्तों में बम रखा हुआ है, मेरे एक फोन करते ही तुम्हारे बच्चों के चीतरे उड़ जाएंगे। मेरा इलाका है, मैं अच्छे से संभाल लूंगा, मुझे खुद पर भरोसा है, इतनी ताकत है मुझ में। जल्दी अपना भाषण खत्म करो। एक्सक्यूज मी, ये एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोग अपने अपने मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज, प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप सबको मेरा नमस्कार। Yeah!
अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, शुरुआत ही हुई है। उन नन्हे बच्चों की जान लेने की धमकी देकर डरा रहा था ना मुझे, कमीने कुत्ते। सुनो, आज मैं इसकी सच्चाई आप लोगों के सामने लाती हूँ। ये एक खूनी राक्षस है, डकैत है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कमीना मेरा पति भी है। राजनीति में पाँव जमाने के लिए इसने मेरे माँ बाप को जिंदा नहीं छोड़ा, मुझे और मेरे बच्चे को घर से बेघर कर दिया। ये शैतान आपके देश का उद्धार करेगा, क्या सोच कर आप इसकी जय जयकार कर रहे हैं? ओए, ओए, जवान बंद कर, गोली मार दूंगा। ओए, करे नहीं जाना। Oh!